तो शुरू करते हैं गाइस। ओके सो फर्स्ट जो आपका स्लाइड है, ठीक है, इसमें हम बात करने वाले हैं आपके पॉलीमरेज एंजाइम के बारे में। ठीक है, आपको सारे चार्ट के फॉर्मेट में मिलेगा, सब कुछ चार्ट्स होंगे, ठीक है, छोटे छोटे। सो प्रोकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज के बारे में यहाँ पे बताया गया है, कितने प्रकार के होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, इनके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज प्रेजेंट होती है इसके बारे में आपको बताया गया है। बट ऑब्वियस सी बात है, पॉलीमरेज है तो पॉलीमरेज एक्टिविटी तो सभी के अंदर प्रेजेंट होगी, इसलिए उस चीज़ को मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, 5 to 3 एक्सोन्यूक्लियस और 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी के बारे में स्पेसिफिकली यहाँ पे बात की गई है। अगर आपको पता होगा तो जो 5 to 3 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, ठीक है, वो स्पेसिफिकली किस लिए होती है, आपका प्राइमर रिमूवल या उन सब चीज़ों के लिए आपको यूज़ की जाती है। जो 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है वो आपकी प्रूफ रीडिंग में काम आती है, प्रूफ रीडिंग। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं आपसे यहाँ पे, 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी जो कि प्रूफ रीडिंग में मदद करती है, वो आपका 1, 2, 3 तीनों ही टाइप के पॉलीमरेज में प्रेजेंट होती है। फोर्थ और फिफ्थ टाइप या फैमिली के जो पॉलीमरेज होते हैं उनमें ये एक्टिविटी एब्सेंट होती है। क्यों एब्सेंट होती है, और इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, इनको एरर प्रोन सिंथेसिस ये करवाते हैं, डीएनए का एरर प्रोन रेप्लिकेशन ये करवाते हैं। एसओएस जो रिपेयर होता है उसमें आपका जो सेव आर सोल जो रिपेयर सिस्टम होता है उसमें इन्हीं पॉलीमरेज़ को हम यूज़ करते हैं, बिकॉज वी डू नॉट, मतलब वहाँ पे हमें प्रूफ रीडिंग का जो सिनेरियो है उसका जो प्रेजेंस है वो दिखता नहीं है। ठीक है, फिर बात करते हैं 5 to 3 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, जैसे कि मैंने आपसे बोला प्राइमर रिमूवल, प्राइमर रिमूवल की एक्टिविटी जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक एंजाइम के अंदर प्रेजेंट होती है, और वो एंजाइम का नाम होता है आपका डीएनए पॉलीमरेज 1। उसके अलावा आप बाकी के चारों में देखेंगे तो ये एक्टिविटी जो होती है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। ठीक है, तो इस चार्ट को जरूर से एकदम रट्टा मार लो, बहुत सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेजेस की तरफ। तो आप यहां देखेंगे कितने प्रकार के हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, न्यू के। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे किस किस में कौन कौन सी एक्टिविटी प्रेजेंट है, वापस से वही प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी और आपकी प्राइमर जो वाला सिनेरियो है। ठीक है, तो अल्फा बीटा में यहाँ पे आपको मिलती है 5 to 3 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, बाकी किसी में नहीं मिलती। और जो 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है, मतलब कि जो आपकी प्रूफ रीडिंग की एक्टिविटी है, वो आप देखेंगे तो यहाँ पे अल्फा बीटा में नहीं मिलती वो एक्टिविटी आपको। ठीक है, जो शुरुआत करवाते हैं, आपको पता होगा कि सबसे पहले अल्फा काम करता है और उसके बाद में आपका यहाँ पे डेल्टा और एप्साइलन काम करने के लिए आते हैं, आपके जो लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड पे। लीडिंग स्ट्रैंड के लिए एप्साइलन होता है, लैगिंग स्ट्रैंड के लिए डेल्टा होता है। ठीक है, अल्फा के आने के बाद में अल्फा आपका प्राइमर को बनवाने का और स्ट्रैंड को इनिशिएट करवाने का काम, इनिशिएटेड यानी बेसिकली हमारा जो उसका बनना होता है वो अल्फा की प्रेजेंस में होता है। ये जो प्रोसेस कहलाता है अल्फा से डेल्टा और एप्साइलन के आने का, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पॉलीमरेज स्विचिंग, पीएस, पॉलीमरेज स्विचिंग का प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप देखोगे यहां पे, तो जो आपकी अल्फा बीटा है ना, इसके अंदर आपकी कोई भी किसी भी तरीके की प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी प्रेजेंट नहीं है। प्रूफ रीडिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि यदि कोई गलती हो गई तो उसको सुधारा नहीं जा सकता। ठीक है, उसको हम सुधार नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं यदि आपको थोड़ा सा समझाऊं, यहाँ पे मान लीजिए एक डीएनए स्ट्रैंड है, इसका हम रेप्लिकेशन करें, ये 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ है। ठीक है, मान लीजिए आपने इसका रेप्लिकेशन शुरू किया, इस तरफ से ऑफकोर्स करेंगे ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे प्रेजेंट था आपका जी जी सी सी, तो यहाँ पे आपका क्या अटैच होना चाहिए, सी सी जी, यहाँ पे होना चाहिए था जी, लेकिन जी की जगह मान लीजिए हाइपोथेटिकली क्या आ गया, ए। तो इसका मतलब ये एक गलत बेस जो है, गलत न्यूक्लियोटाइड जो है वो आके यहाँ पे जुड़ चुका है, इसको रिमूव होना ज़रूरी है। ठीक है, तो अब कोई भी एंजाइम जो होगा, मैं डिफरेंट कलर लेती हूँ यहाँ पे, ध्यान देना, कोई भी एंजाइम ऐसा तो करेगा नहीं कि एंजाइम यहाँ से पूरा चल के आए सबको काटता हुआ और फिर उसके बाद ए को आके रिमूव करे और फिर कोई नए बेस को लगाए, इतना इलॉजिकल तो सेल होता है नहीं। तो सेल क्या करेगा, या वहाँ पे क्या होगा, एंजाइम जो होगा वो इस तरफ से जैसे ही कोई गलत बेस का इनकॉर्पोरेशन हुआ उसको रिमूव किया जाएगा, तो ए को यहाँ से काट के निकाल दिया जाएगा और उसकी जगह पे जी को इनकॉर्पोरेट कर दिया जाएगा। दैट मीन्स ये इसके डायरेक्शन जो होता है काम करने का वो कैसा होता है, आपका 3 to 5 की डायरेक्शन में होता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। ठीक है, बाकी आप देखोगे किस किस में प्रेजेंट है, ये आपका गामा, डेल्टा और एप्साइलन, इन तीनों में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, और बाकी के जो तीन है उनमें ये नहीं मिलता। ऑल राइट, और जो अल्फा बीटा है सिर्फ उसमें आपका 5 to 3 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी प्रेजेंट है। ओके, ये हो गया इसके बारे में।
आगे बात करते हैं एंजाइम्स की कट साइट के बारे में, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बहुत फ्रीक्वेंटली आपको यहाँ से जो सवाल है वो मिलते हैं, ठीक है। बहुत मेहनत करके ये स्लाइड जो है वो तैयार की गई है, इसको देख लीजिए। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, आप देखेंगे ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन जो है वो कट करता है आपका आर्जिनिन और लाइसिन में सी टर्मिनल की तरफ, ठीक है। विद कंडीशन क्या होती है, विद नो प्रोलीन प्रेजेंट एडजेसेंट टू द कट साइट, आपका जो कट साइट है उसके एडजेसेंट आपकी प्रोलीन प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। ये एन टर्मिनल, ये सी टर्मिनल, ये मान लीजिए आपका आर्जिनिन प्रेजेंट है आर, इसके इस तरफ पी यदि प्रेजेंट होगा तो इसके बाद ये कट नहीं कर पाएगा, ठीक है। काइमोट्रिप्सिन के बारे में अगर हम बात करते हैं गाइज, अगर वीडियो पसंद आ रही है, इतनी मेहनत कोई कोई आपके लिए करे तो लाइक करने में बिल्कुल भी कमी नहीं छोड़िएगा। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल कमी मत छोड़ना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो वीडियोस को, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाओ। बाकी जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था 5000 सब्सक्राइबर्स होने पर मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज़ दूंगी, तो मैं बहुत जल्दी इसका वीडियो आपको कल तक मिल जाएगा कि वो क्या है, वो आपके लिए सरप्राइज़ क्या वो गुड न्यूज़ है, ठीक है। टुमारो आई विल बी रिवीलिंग दैट सरप्राइज एंड दैट गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू, ऑलराइट। देन काइमोट्रिप्सिन के बारे में बात करते हैं, ये कहाँ पे कट करता है, ये सी टर्मिनल ऑफ एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स विद नो प्रोलीन प्रेजेंट एडजेसेंट टू द कट साइट, ठीक है। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए एंड बी, अगर आप देखेंगे तो जो ए होता है वो कहाँ करता है, एरोमेटिक अमीनो एसिड के सी टर्मिनस की तरफ, और जो बी होता है वो कहाँ करता है, बेसिक अमाइनो एसिड्स के सी टर्मिनस की तरफ। फिर आता है आपका इलास्टेज, इलास्टेज कहाँ कर रहा है, जो एलिनिन ग्लाइसिन सीरीन है, ठीक है, उसके सी टर्मिनस, मतलब जो स्मॉल अमीनो एसिड्स हैं उनके सी टर्मिनस की तरफ कर रहा है। पेप्सिन जो होता है वो आपका फिनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन के एन टर्मिनस की तरफ करता है। अमाइनो पेप्टाइडेज जो होता है ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, कि जो किस तरीके से यहाँ पे सिनेरियो दिखाई दे रहा है आप पढ़ सकते हैं। साइनोजन ब्रोमाइड मिथियोनिन के सी टर्मिनल, पेपाइन, ठीक है, ये आपके पेप्टाइड बॉन्ड को अटैक करता है जो कि बना है बिटवीन लाइसिन एंड आर्जिनिन। थर्मोलाइसिन एंड टर्मिनस ऑफ हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स, ल्यूसिन, फिनाइल एलिन, आइसोल्यूसिन, वेलिन, ठीक है। आई थिंक ये स्लाइड्स में आपको शायद हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो देखने में, ठीक है, इफ इन केस, ओके ओके ओके, देर माइट बी पॉसिबिलिटी कि आपको शायद यहाँ पे देखने में प्रॉब्लम हो, लेट मी जस्ट डू वन थिंग, जस्ट गिव मी वन सेकेंड, आई ट्राई टू वन डू वन थिंग। ठीक है, हो सके तो इसका इस तरीके से ये ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एंड आई एम श्योर कि ये आपको इस तरीके से मदद करेगा, ठीक है। सिमिलरली इसके साथ भी मैं ऐसे ही कर दे रही हूँ जिससे कि फाइनली ये आपको हेल्प करे, ऑलराइट, ठीक है। तो इस वाली स्लाइड पे अगर हम आते हैं, हमने बात करे थे, हाँ जी, तो यहाँ पे हो गया आपका पेपाइन पे पहुँच चुके थे हम, अटैक्स द पेप्टाइड बॉन्ड, है ना, फॉर्म्ड बिटवीन लाइसिन एंड आर्जिनिन, ठीक है। उसके बाद आ चुका है आपका थर्मोलाइसिन, एंड टर्मिनस ऑफ हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स, ल्यूसिन, फिनाइल एलिनिन, आइसोल्यूसिन, वेलिन, प्रोटीनेज के जो है आपका दैट कट्स एट सी टर्मिनस ऑफ एरोमेटिक एलिफेटिक अमाइनो एसिड्स। तो जितने आज तक पूछे गए हैं वो सब आपको यहाँ पे दे दिए गए हैं, एक ना एक सवाल तो जरूर आपको मिलेगा मिलेगा यहाँ से, नेट में ना सही तो गेट में सही, गेट में ना सही तो डीबीटी में सही, डीबीटी में नहीं सही तो आईसीएमआर में सही, आते ही आता है सवाल यहाँ से, ठीक है। इस बार आपके सीएसआई नेट में भी था, गेट में बहुत फ्रीक्वेंटली आता है। फिर आता है आपका नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ पे एंजाइम की क्लासेस दी गई हैं, उनके रेलिवेंट एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे कि ऑक्सीडो रिडक्टेजेस, ठीक है, ये इनका जो मोड ऑफ एक्शन है वो कैसा है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का काम ये कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल इनके हो जाते हैं एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज और ग्लूकोज ऑक्सीडेज, ठीक है। ट्रांसफरेजेस, ये क्या कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप का ट्रांसफर करवा रहे हैं, जैसे कि हेक्सोकाइनेज। आइसोमेरेज, ये आपका क्या करे, रीअरेंजमेंट करने में मदद करे, जैसे कि फॉस्फो ग्लूको आइसोमेरेज, है ना। हाइड्रोलाइसिस, बॉन्ड क्लीव करते हैं वाया जो आपका वाटर है उसकी हाइड्रोलिसिस की मदद से, जैसे कि वीएचआर फॉस्फेटेजेस, विच डीफॉस्फोराइलेट ईआर की काइनेज, इट्स सेक्टर कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए। लाइएजेस, ग्रुप एलिमिनेशन टू जेनरेट डबल बॉन्ड, एनोलेज, पाइरोवेट डी कार्बोक्सिलेज एग्जाम्पल हो जाएगा। लाइगेज, आप देख सकते हो बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं यूजिंग एटीपी हाइड्रोलिसिस या फिर एनएडी प्लस के हाइड्रोलिसिस की मदद से, डीएनए लाइगेज इसका आप ऑफकोर्स एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये रहा आज के इस फर्स्ट पार्ट जो है आपका, उसमें ये इन्फॉर्मेशन है। आगे मैं आप लोगों को कम से कम 4 या 5 और पार्ट देने की कोशिश करूंगी, एंड डेफिनेटली यहाँ से कुछ भी नहीं तो आपको 10 से 15 से 20 नंबर का आराम से जो मटेरियल है वो मिल रहा है, ठीक है। तो उसको जरूर से पढ़ के जाना है, 10-10 मिनट की बातें और पढ़ के जाना है बढ़िया से, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है, और ज्वाइन कर लीजिएगा, मतलब
जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। बाकी अगर आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं, जहाँ पे मैं पूरी आपको हम लोग कंप्लीट प्रिपरेशन करवाते हैं, ये सब उसका प्रोसेस है, ये करना है, ये सब मैं पढ़ाती हूँ, ये सब आपको प्लस पे मिलता है, ये है प्राइस। D Goswami 06 इज द कोड जिसको किया उसका क्या आप 10% का डिस्काउंट जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसका PDF नहीं मिल पाएगा बेटा, इसका जो ये है ये आपको यहीं पर मिल पाएगा। ठीक है, PDF मैं ट्राई करूंगी, इफ समहाउ पॉसिबल हो पाया तो देने का आई विल ट्राई। ठीक है, लेट्स सी कि क्या कर पाते हैं। बट फिलहाल के लिए आप इसको बार बार देखिए, पढ़िए, याद कीजिए जितना हो सके, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, वीडियो को रोक रोक के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ओके, टेक केयर एवरीवन, ख्याल रखो, मजे करो, अच्छे से पढ़ाई करो और मचा के आओ। ठीक है, चलो, टेक केयर, बाय। हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हो सब लोग? तो दिस इज़ आवर सेकेंड पार्ट। ठीक है, जो आपका शॉर्ट शॉर्ट मार्क्स इन 10 मिनट्स वाला सेशन है उसके सेकेंड पार्ट है। ये सेशन को देखना बिल्कुल मत भूलिए, पूरी सीरीज में बनाने की कोशिश करी, कम से कम 5-6 लेक्चर मैं और दूंगी आप लोगों को, और इनसे आपको एग्जाम में क्वेश्चंस ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये 10-10 मिनट के छोटे छोटे वीडियो हैं, इनको कम से कम 4 या 5 बार देखने की कोशिश करना, हर एक वीडियो को कम से कम 4 या 5 बार। ठीक है, और वीडियो शुरू करने के पहले ही बता दे रही हूँ कि सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, ये तीनों चीज़ें करना बिल्कुल मत भूलिए, प्लीज करते रहिए। इट मोटिवेट्स मी टू डू मच 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 मोर हार्ड वर्क फॉर यू गाइज, बिकॉज ऑफ कोर्स है ना। तो अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए और शुरू करते हैं आज का सेशन। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ठीक है, बिल्कुल जी चंदा जी, ये आपके गेट के लिए स्पेसिफिकली डिजाइंड चीज़ें हैं। बाकी ये आपको गेट में, DBT में, ICMR में, CSIR में, आप जितने भी परीक्षा देंगे लाइफ साइंसेस से रिलेटेड, उन सभी में ये आपको काम आने वाली हैं। ठीक है, शुरू करने के पहले एक बहुत ही मज़ेदार सा सिंपल सा कोट है आपके लिए। लगातार हो रही असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए, लगातार हो रही असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। ठीक है, तो बिल्कुल भी हमें ये नहीं होने की ज़रूरत है, मतलब डिसअपॉइंट होने की, आई एम श्योर कि सैड होते हैं बट डिसअपॉइंटेड एकदम पूरा तरीके से डिवास्टेड होने की ज़रूरत नहीं है। आई एम श्योर कि लगातार करते रहोगे तो मिलना ही है, मिलना ही है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं बेटा, है ना। पहला जो आपका पॉइंटर है आज, सबसे पहला जो स्लाइड है, इसमें हम बात करने वाले हैं आपसे ओके, एंजाइम्स एंड देयर को फैक्टर्स के बारे में। ठीक है जी, तो यहाँ पे जी उसके बारे में मैं एक अलग से सेशन ले लूंगी। आपके जितने भी ये सारे डाउट्स हैं बच्चों, उनको प्लीज मुझे कहीं लिख के भेज देना, मैं उनके बारे में एक अलग से सेशन ले लूंगी। जैसे कि मैंने बताया था कि क्वेश्चंस लिख के भेज दीजिएगा। बाकी आप, जैसे कि मैंने आपको पीछे फिर से बता दे रही हूँ कि टेलीग्राम पे मुझे जो भी डाउट्स हैं उनको मैसेज कर दिया कीजिए। ठीक है, या इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ये यूट्यूब है आपको पता है, टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, जितने सवाल हैं, जितने डाउट्स हैं वो टेलीग्राम या अनअकैडमी पे आप मुझसे पूछ सकते हो। तो सबसे पहली बात है एंजाइम एंड देयर को फैक्टर्स के बारे में। कई बार सवाल आते हैं यहाँ से, मतलब पता नहीं कितनी ही बार सवाल पूछे गए होंगे। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ये इनऑर्गेनिक आयन्स, कॉपर और आयरन को यूज करता है एज को फैक्टर। फंक्शन कॉम्प्लेक्स 4 जो है आपका ETC, उसमें ये काम कर रहा होता है। ठीक है जी, उसके बाद आगे चलते हैं। जो आपका कैटेलाइज एंजाइम है, आयरन को ये वापस से ये यूज करता है, कैटेलाइज द कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन, कि कहाँ पाया जाता है, किस ऑर्गेनली में, मुझे कमेंट सेक्शन में सब लोग बताएंगे। ठीक है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए एंड बी, जिंक क्लीव्स पेप्टाइड बॉन्ड एट द सी टर्मिनस ऑफ एरोमेटिक एंड बेसिक अमाइनो एसिड रेस्पेक्टिवली। ठीक है, पाइरोवेट काइनेज पोटेशियम आयन को यूज करता है, कैटेलाइज कन्वर्जन ऑफ फॉस्फोइनॉल पाइरोवेट टू पाइरोवेट। ठीक है, आर्जिनेज राइबो न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज, मैग्नीशियम आयन को यूज करते हैं, कैटेलाइज द कन्वर्जन ऑफ आर्जिनिन एंड वाटर टू फॉर्म ऑर्निथिन एंड यूरिया। ठीक है जी, कैटेलाइज फॉर्मेशन ऑफ डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम राइबो न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों में मदद की जाती है इससे। इसके अलावा वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसके अलावा यूरिएज, यूरिएज निकिल मैं बता दूंगी, मैं बॉटनी जुअलॉजी सबके बताऊंगी, तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो, बस लगातार इस सीरीज को देखते रहो। ठीक है, लगातार 10 मिनट का वीडियो रहेगा, उसको कम से कम 4 या 5 बार रिविजन करके जाना है हर एक वीडियो को। कैटेलाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया इंटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। फिर आता है आपका सिलेनियम, ठीक है, ये आपको मिलेगा ग्लूटाथियॉन पेरोक्सीडेज में, इन्वॉल्व इन लिपिड हाइड्रोक्सी पेरोक्साइड्स टू करिस्पॉन्डिंग एल्कोहल्स। ठीक है, जिंक आयन कार्बोनिक एनहाइड्रेज में प्रेजेंट होता है आपका, इंटर कन्वर्जन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O जिससे कि टू बाइकार्बोनेट एंड प्रोटोन में इसका कन्वर्जन आपका होता रहता है। ओके, फिर चलते हैं एंजाइम्स एंड विटामिन डिराइव्ड को एंजाइम्स के बारे में बात करते हैं। अगेन पता नहीं कितनी बार यहाँ से सवाल आए, वेरी इंपॉर्टेंट। थाइमीन पाइरोफॉस्फेट TPP जिसको बोला जाता है, B1 थाइमीन आपको विटामिन है। ठीक है, मोड ऑफ रिएक्शन ये रहता है आपका,
अगर नहीं एबसेंट है यदि तो बेरी बेरी आपका होगा, ठीक है। एफ एम एन एफ ए डी प्लस की मैं बात करती हूँ, बीटो राइबोफ्लेविन, मोड ऑफ रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, चेरियोसिस एंड एंगुलर स्टोमेटाइटिस यहाँ इससे होता है। एन ए डी प्लस एन ए डी पी प्लस नियासिन, मोड ऑफ रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन, पेलाग्रा इसकी डेफिशिएंसी से होता है। कोएंजाइम ए पेंटोथेनिक एसिड, पता नहीं कितनी बार ये सब पूछे गए हैं आपसे, ये क्वेश्चन आ चुका है, एसाइल ग्रुप ट्रांसफर पूछा जा चुका है, इसमें कौन सा कोएंजाइम प्रेजेंट होता है, ठीक है, किस विटामिन में कौन सा कोएंजाइम है, पता नहीं कितनी बार, किस कौन सी कॉजिटिव डेफिशिएंसी होती है, क्या मोड ऑफ रिएक्शन होता है, हर चीज से सवाल आए हैं, ठीक है। हाइपरटेंशन, पायरेडॉक्सल फॉस्फेट B6 विटामिन है आपका, उसका सिनेरियो है। ट्रांस एमिनेशन मोड ऑफ रिएक्शन है इसका। डिप्रेशन कन्वर्जन कन्फ्यूजन, ठीक है। टी एच एफ टेट्राहाइड्रोफोलेट, आप लोग मुझे बताएंगे टीएचएफ की जरूरत मुझे कहां पड़ती है, कमेंट सेक्शन में सब बच्चे बताएंगे कि टीएचएफ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल प्रोसेस में इसका इस्तेमाल आप लोगों ने देखा होगा, किस प्रोसेस में देखा है इसका आंसर मुझे बताएंगे। फोलिक एसिड सिंथेसिस, ठीक है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इसकी एब्सेंस से होता है, मतलब डेफिशियंसी से, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी है आपका। हाइड्रोक्सिलेज इन्वॉल्व इन कोलेजन फॉर्मेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कोलेजन फॉर्मेशन कई बार सवाल आया है यहाँ से। न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस, ओके, इसके अलावा कुछ और है क्या, ठीक है, और क्या ये करेक्ट आंसर है या नहीं है ये भी करेक्ट कंफर्म कीजिएगा। और इसके बाद में इसके अलावा कहीं भी और आपने नाम सुना है टीएचएफ के बारे में? गाइस फंडामेंटल प्रोसेस सोचो, फंडामेंटल प्रोसेस के बारे में सोचो, कोई फंडामेंटल प्रोसेस होता है, थोड़ा दिमाग लगाओ, दिमाग पे जोर डालो, बुद्धि को थोड़ा और ज्यादा थोड़ा उपयोग में लाओ, ठीक है। स्कर्वी, बायोटिन, बायोटिन बायोसाइटिन विटामिन, ठीक है। कार्बोक्सिलेशन इज अ मोड ऑफ रिएक्शन, रैशेज अराउंड आईब्रोज, मसल पेन, फटीग होता है। 5-डीऑक्सीएडिनोसाइल कोबेलामिन, सॉरी ये आपका ये है, विटामिन B12, ठीक है, ये आपका आ चुका है वापस से। ओके ओके, बहुत जरा सा आ रहा होगा, ठीक है, मैं अपने आपको आई थिंक शिफ्ट करूंगी तो दिखेगा क्या, अभी दिख रहा है, लेट मी जस्ट चेक, आई थिंक उल्टा किया है मैंने, आई थिंक इधर होना पड़ेगा, हाँ अब ठीक है आई थिंक चलो कोई बात नहीं, ओके। सो ट्रांसफर ऑफ मिथाइल ग्रुप, इंट्रा मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट, पर्निशियस एनीमिया, मिथाइल मेलोनिक एसिडोसिस, ठीक है, ये आपका सिनेरियो है, आप देख सकते हो, ओके। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि एंजाइम विटामिन डिराइव्ड कोएंजाइम्स के बारे में बात हुई यहाँ पे, है ना। आगे चलते हैं गाइस, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं इस सीरीज को देखना बिल्कुल ना भूलें, इसमें से एक भी सेशन को मिस नहीं करना है, और कम से कम 4 या 5 बार आपको देखना है, मिनिमम 4 या 5 टाइम्स, ठीक है, और जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है हाँ ठीक है, इसको जरूर से देखना है ना, काम आएगा 100% के आपका। फिर आता है आपका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कैरेक्टरिस्टिक्स, तो टाइप 1, 2 और 3 तीनों के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे, है ना, ओके। सो क्लीवेज साइट के अगर मैं बारे में बात करती हूँ, टाइप 1 जो होता है आपको पता होगा कि वो जो भी आपकी साइट है, जो उसकी रिकॉग्निशन साइट है, उससे 1000 बेस पेयर या तो डाउनस्ट्रीम या तो अपस्ट्रीम कट करता है, 1000 बेस पेयर या तो डाउनस्ट्रीम या तो अपस्ट्रीम कट करता है। 2 बजे आज फ्री क्लास है आपका, RDT रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी का टेस्ट है वापस से, ठीक है, आ जाइएगा, 1 घंटे का टेस्ट है, सबके साथ पहुंच जाइएगा, फ्री क्लास है, फ्री सेशन है, कोई पैसे नहीं है, है ना। टेलीग्राम पे जुड़ोगे तो वहां पे लिंक दे दूंगी, नहीं तो इस वीडियो के लास्ट में जो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स है या तो जो कमेंट सेक्शन है उस पर लिंक उसका मैं पिन कर दूंगी, आप सबके साथ पहुंच सकते हो। जब आप ज्वाइन कर रहे होगे फ्री क्लासेस में, तो फ्री क्लास में एंट्री करने के लिए सिंपल सा कोड आपको डालना होगा, DGoswami06, इस कोड को यूज करेंगे तो आप फ्री क्लास में एंट्री कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो ये रही बात आपकी कि यहाँ कहाँ रिकॉग्नाइज करता है, कहाँ कट करता है, तो ये स्पेसिफिक नहीं होता, मतलब जो इसकी रिकॉग्निशन साइट है ना, ये एग्जैक्टली वहीं पे कट नहीं कर रहा होता है, ठीक है। बाकी मिथिलेज एंड एंडोन्यूक्लियस सिस्टम, सिंगल मल्टीफंक्शनल एंजाइम, जो अभी तक टीएचएफ के बारे में सोच नहीं पाए हैं, ठीक है, मैं इसका आंसर आप लोगों को अगले वीडियो में दूंगी, अगर आप लोग अभी भी नहीं सोच पाओगे तो। इको के वन, CFR A1 इसके एग्जाम्पल हो गए। कोफैक्टर कौन कौन चाहिए, ATP, मैग्नीशियम और एस एडिनोसाइल मिथियोनिन, इनको काम करने के लिए चाहिए, बिकॉज आप सबको शायद पता होगा कि मिथिलेशन जो होता है इन एंजाइम्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है, ठीक है, मतलब एक दो दो तरीके के काम करते हैं, एक तो ये कट करने का काम करते हैं और दूसरा ये आपका मिथाइल ग्रुप को जोड़ने का काम कर रहे होते हैं, ठीक है। टाइप 2 के बारे में अगर मैं बात करती हूँ, तो ये दोनों स्ट्रैंड पे कट करता है ना, और पैलिंड्रोमिक सिंगल रिकॉग्निशन साइट होती है, मतलब कि जहां पे इसकी रिकॉग्निशन साइट है, जिसको ये रिकॉग्नाइज करेगा उसी पे ये कट करेगा, कहीं और जाके नहीं, तो ये काफी ज्यादा स्पेसिफिक होता है, और इसको काम करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीशियम चाहिए, ATP नहीं चाहिए, एनर्जी की रिक्वायरमेंट इसको नहीं होती, इसलिए हम काम में जब भी आपका RDT होता है वहां पे सबसे ज्यादा हम आपके टाइप 2 को ही यूज करते हैं, ठीक है। इट
इसके अलावा गौरव देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम वापस से मैं बोल रही हूँ आप लोगों से, देयर इज अ फंडामेंटल प्रोसेस. फंडामेंटल प्रोसेस में कौन कौन से प्रोसेस आते हैं बेटा? रेप्लिकेशन, रिपेयर, रिकॉम्बिनेशन, ट्रांसक्रिप्शन, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल एंड देन उसके बाद में आपका ट्रांसलेशन. इन सब में से कहीं पे कभी आपने THF का नाम जरूर सुना होगा, जरूर सुना होगा. ठीक है, टाइप 3 के बारे में अगर मैं बात करती हूँ तो मान लीजिए ये आपका DNA है. ठीक है, यहाँ पे इसकी रिकॉग्निशन साइट है, उससे 26 लगभग 24 से 26 बेस पेयर डाउन स्ट्रीम, 24 to 26 बेस पेयर डाउन स्ट्रीम जाके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो कट करता है. ठीक है, सेपरेट एंजाइम होते हैं विद कॉमन सब यूनिट. यहाँ पे सेपरेट न्यूक्लियस और मिथिलेज एक्टिविटी है ना, और यहाँ पे मैग्नीशियम और एस एडिनोसाइन मिथियोनिन दोनों चाहिए होता है इसको. ठीक, तो ये रहा आपका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक्स. बाकी यदि आप मेरे साथ पूरे कोर्स के लिए प्लस पे जुड़ना चाहते हैं तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है. कोड इज DGoswami06, स्टेप्स ये होते हैं, मैं ये सब पढ़ाती हूँ, ये सब आपको प्लस पे मिलता है. ये रही फीस, कोड यूज करने के बाद में ये जो नई फीस है आपकी ये घट जाएगी. ठीक है, ऑफकोर्स 10% इसमें डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, तो आप लोग देख सकते हो, जोड़ सकते हो. आप लोग मुझे प्लीज बता दीजिएगा आप लोगों को और किस किस चीज के चार्ट्स चाहिए, चार्ट्स. ठीक है, चार्ट्स वो मुझे कहाँ बताएंगे, चैट बॉक्स में नहीं बताएंगे आप लोग, मुझे बताएंगे जो कमेंट सेक्शन है, क्योंकि चैट बॉक्स बाद में देख नहीं सकती मैं, एक्सेस नहीं कर सकती, लेकिन कमेंट सेक्शन जो है वीडियो के कमेंट में आप लोग मुझे जरूर से बताइए कि आपको और किस किस चीज के चार्ट्स चाहिए जो आपको लगता है कि यहां से क्वेश्चन आता ही आता है. हो सकता है मे से मिस हो जाए, बट आप सब बच्चे जो होगे देखोगे तो नजरों से मिस नहीं हो पाएगा हमारी, है ना. और कम से कम हमारे पास 10-15 ऐसे चार्ट प्रिपेयर हो जाएंगे जो तुम्हारे लास्ट मिनट रिविजन के लिए एकदम रामबाण का काम करेंगे. ठीक है, चलो तो मुझे फटाफट से ये करके तुम लोग बताओ, और तब तक के लिए ख्याल रखो अपना. मैं मिलती हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर. 2 बजे फ्री सेशन, RDT का टेस्ट है, पहुंच जाओ सबके साथ. ठीक है, बाय, टेक केयर. सो हाय एवरीवन, दिस इज अवर थर्ड पार्ट, दिस इज थर्ड पार्ट ऑफ द शॉर्ट शॉर्ट मार्क्स इन 10 मिनट्स सेशन. ओके, एंड इस जो सीरीज है इसका पर्पस बस इतना सा है कि आप लोगों को 10 मिनट के अंदर ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो. फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट, आपके एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से स्पेसिफिकली डिज़ाइंड ये चीज़ें हैं. ठीक है, लास्ट मिनट रिवीजन मतलब लास्ट जाते समय भी अभी यदि आप इनको रिवीजन करके चले जाएंगे तो काम बन जाएगा आपका. मेरा सजेशन ये है कि ये जो वीडियोज़ है या तो इनको कम से कम 4 या 5 बार मिनिमम आपको 4 to 5 times हर एक वीडियो को देखना है. अगर वीडियो को नहीं देखना है तो आप क्या कीजिए, आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं. ठीक है, और हर एक स्क्रीन शॉट को, हर एक चार्ट को मिनिमम 4 to 5 times आपको देखना ही है, ये मिनिमम नंबर है. ठीक है, जितना ज़्यादा बार देखेंगे उतना ज़्यादा बार आपको चीज़ें याद, क्योंकि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है बहुत सारी, है ना, तो वो याद रखना है एकदम. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. हेलो 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 सब लोगों को, हेलो, बिल्कुल लेट नहीं हो तुम लोग, ठीक है, ऑन टाइम हो. और 2-3 सिंपल स्टेप हैं. चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ज़रूर से, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, लाइक कर लीजिए वीडियोस को. ठीक है, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में. टेलीग्राम का जो ये चैनल है DGoswami06 और bio_DGArmy, इसको ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए फॉर ऑल द अपडेट्स, फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन. इंस्टा पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं. ओके, शुरू करते हैं. ठीक है, बाकी सो दिस इज़ फर्स्ट चार्ट. इसमें हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट वायरल डिजीजेस. ठीक है, अरे वाह वाह, सो स्वीट बच्चों, है ना. सो वायरल डिजीजेज एंड देयर कॉजिटिव एजेंट्स के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं. कौन कौन से वायरल डिजीज कॉजिटिव एजेंट और वेक्टर्स होते हैं. ठीक है, सो डेंगू फीवर, या डेंगी फीवर, येलो फीवर, हेपेटाइटिस सी. कॉजिटिव एजेंट जो है इनके वो फ्लेवी वायरस है. ठीक है, और हेपेटा सी वायरस है. ठीक है, वेक्टर्स की अगर मैं बात करती हूँ तो एडिस एंड क्यूलिक्स स्पीशीज के जो आपके होते हैं ये आपके वेक्टर का काम करते हैं. ठीक है, पैंडेमिक फ्लू या कॉमन फ्लू में इन्फ्लुएंजा ABC जो है आपका पॉजिटिव एजेंट है. जेनाइटल वॉर्ड्स, हर्पीज में ह्यूमन हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस आपका पॉजिटिव एजेंट होते हैं. एड्स के केस में ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. ठीक है, टिक बॉर्न एंसेफेलाइटिस टोगा वायरस, वेक्टर इज टिक. चिकनगुनिया, इट्स चिकनगुनिया वायरस. एडिस, क्यूलेक्स वापस से वेक्टर है. रेबीज के केस में लिसा वायरस आपका पॉजिटिव एजेंट है. और मॉस्किटोज वायरस जो है आपका, मॉस्किटोज जो है आपका बेसिकली वेक्टर के केस में कॉज कर रहा है. ठीक है, ये मॉस्किटोज वायरस. प्रोटोजोअल डिजीज जो है आपका, अगर मैं इनके बारे में बात करती हूँ तो मलेरिया जो है आपका, मतलब ये यहाँ से प्रोटोजोअल डिजीज जो है वो आपके शुरू हो रही है. तो मलेरिया, प्लाज्मोडियम स्पीशीज, एनोफिलिस मॉस्किटो, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, ट्रिपेनोसोमा ब्रुसियाई होता है. ठीक है,
ट्रेपेनोसोमा होगा यहाँ पे, सेसी फ्लाई जो इसको बोलते हैं हम वेक्टर को, ठीक है। उसके अलावा शेगैस डिजीज जो होती है आपकी, यहाँ पे आ जाएगा ट्रेपेनोसोमा क्रूजियाई, ठीक है। एंड किसिंग बग्स जो होते हैं वो आपके वेक्टर का काम करते हैं। लेशमैनियासिस जो होती है वहाँ पे लेशमैनिया आपका काम करता है, लेशमैनिया डोनोमैनिया बहुत सारे आपके इसके ये होते हैं, ठीक है, स्पीशीज। एंड स्लाइज जो होते हैं वो आपके कॉज कर लाइक एज एन वेक्टर वर्क करते हैं, एज अ वेक्टर वर्क करते हैं। अमीबियसिस की अगर मैं बारे में बात करती हूँ तो एंड अमीबा हिस्टोलिटिका जो है आपका वो एज ए पॉजिटिव एजेंट काम करे, और कंटेमिनेटेड वाटर जो है एंड मॉस्किटोज वो आपके वेक्टर का काम करे। देन कम्स बैक्टीरियल डिजीज एंड देयर पॉजिटिव एजेंट, ठीक है। तो बेसिलस डिसेंट्री जो होता है आपका, वहाँ पे शिगेला डिसेंट्री डिसेंटेरी जो है वो आपका पॉजिटिव एजेंट है। टाइफॉइड सेल्मोनेला टाइफी, लेप्रोसी माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई, वोपिंग कफ बॉर्डेटेला पर्टोसिस, प्लेग यर्सिनिया पेस्टिस, फ्लीज जो है आपके वेक्टर है। टाइफस आपका है रिकेट्सिया, ठीक है, फ्ली वापस से वेक्टर से। रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर रिकेट्सिया, लाइस, लाइम डिजीज बोरेलिया, टिक्स, स्केबीज आपके यहाँ पे सर्कोप्टिस स्केबी जो है वो आपका वेक्टर का काम कर रहे हैं, ठीक है। रिकेट्सियल पॉक्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, सिफिलिस ट्रिपेनोमा पेलिडम, मेनिनजाइटिस नेसेरिया मेनिनजाइटिस मेनिनजाइटिटिस, गैस्ट्रिक अल्सर्स, हेलिकोबैक्टर पाइलोराई। तो ये रहे आपके कुछ आपकी चीज़ें, ठीक है। इस वाले वीडियो में आपके सिर्फ दो चार्ट इंक्लूड किए हैं मैंने जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके हैं सारे के सारे सिर्फ डिजीज़ और उनके पॉजिटिव एजेंट से रिलेटेड। बाकी ऐसे कम से कम मैं आपको 10 से 15 वीडियो और देने वाली हूँ, उन सबको सबको देखना है, छोड़ना नहीं है। अभी 2 मिनट बाद ही या 5 मिनट बाद ही आपका एक फिर से सेशन होने वाला है जिसमें हम कुछ और चार्ट जो है उनको डिस्कस करेंगे, और अकॉर्डिंगली मैं वीडियो को लेंथ ज़्यादा लंबा नहीं रखना चाहती, जैसे कि आप आराम से उसको देख पाओ कम से कम 2 या 4 बार, ठीक है। मिलते हैं आपसे 2 या 4 मिनट के ब्रेक के बाद फिर से, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी बिल्कुल 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 मत भूलना, ठीक है। टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं। तो दिस इज़ अवर नेक्स्ट सेशन, ठीक है, सेशन फोर्थ है आपका, पार्ट फोर्थ है इस सीरीज़ का। इस सीरीज़ का एक भी सेशन छोड़ के मत जाना, चाहे तुम कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, CSIR, DVT, GATE, ICMR, कोई भी PhD के कोई एग्ज़ाम, कुछ कुछ भी, ठीक है, इसको छोड़ के मत जाना। ये पूरी की पूरी सीरीज़ तुम्हारे लिए रामबाण का काम करेगी। बाकी मैं कोशिश करूँगी, एक तुम्हारे लिए कुछ प्लानिंग चल रही है, हो सकेगा तो वो तुमको दे दिया जाएगा तुम्हारे एग्ज़ाम के एक दिन पहले, ठीक है। तो एक दिन पहले तक जितना भी हो पाएगा मुझसे उतना मैं करने की कोशिश करती हूँ, और एक दिन पहले तुमको फाइनली कुछ एक चीज़ बढ़िया सी कंपाइलेशन के फॉर्मेट में आपको पहुँचा दी जाएगी। तब तक के लिए एक छोटा सा काम करते रहो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ये काम ज़रूर 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 करो जो भी देख रहे हो, जस्ट डू नॉट सी एंड गो, ठीक है। सब्सक्राइब ज़रूर करना है, शेयर ज़रूर करना है, लाइक ज़रूर करना है, और टेलीग्राम पे ज़रूर से जुड़ना है, क्योंकि टेलीग्राम पे यदि जुड़ोगे नहीं तो जितने भी अपडेट्स हैं उनके बारे में पता नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम पे ज़रूर से जुड़ जाओ, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो अपडेट्स के लिए, ठीक है। एज सुन एज पॉसिबल वहाँ पे मैं अपडेट देना शुरू करूँगी, तो कर सकते हो। थैंक यू जी राजन, आप लोगों के लिए मेहनत है, आप लोगों की परीक्षा निकलेगी, हमको खुशी होगी, बहुत खुशी होगी। तो इसलिए अगर मेरी जो मेहनत है उसको सफल बनाने के लिए आप लोग खूब मेहनत करो, जो वीडियो है उसको कम से कम 3 से 4 बार देखो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, उसको कम से कम 3 से 4 से 5 बार पढ़ो, खूब मेहनत करो, ठीक है बेटा। और मैं उम्मीद करती हूँ तुम्हारा एग्ज़ाम निकले, और जैसा कि मेरा टैग लाइन हमेशा मैं एक बार तुम लोगों से बोलती हूँ, मचाना है तो मचा के आओ एकदम, ठीक है। चलो, तो पहला आपका जो आज का चार्ट है इसमें हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ म्यूटाजन और उनके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में, ठीक है। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन, जैसे कि यूवी रेज हो गया, माइक्रोवेव्स, IR, रेडियो फ्रीक्वेंसी, कॉन्सिक्वेंसेज द लीड टू सिंगल स्ट्रैंडेड निक्स इन द DNA। सिंगल स्ट्रैंडेड निक जो होते हैं वो आपके इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। आयनाइजिंग रेडिएशन, जैसे कि एक्सरे, गामा रेज जो होती हैं, ये जनरली आपके डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक्स जो होते हैं, पक्का पूर्वा, थैंक यू बेटा, ठीक है। तो डबल स्टैंडर्ड ब्रेक्स होते हैं वो आपके इंट्रोड्यूस करते हैं। देन बेस एनालॉग्स, 2-अमीनो प्यूरिन हो गया, 5-ब्रोमो यूरेसिल, ये क्या करते हैं, ओइंग टू देयर स्ट्रक्चरल रिजेम्बलेंसेज टू द नाइट्रोजनस बेसिस दे लीड टू ट्रांजिशंस, ठीक है, क्योंकि इनकी जो नाइट्रोजनस बेसिस होती है उनके साथ में स्ट्रक्चर जो होता है उनका रिजेम्बल करता है, सिमिलैरिटी शो करता है, इसीलिए ये क्या शो करते हैं, जनरली ट्रांजिशन। बहुत सवाल आते हैं इसे, इकलौते चार्ट से पता नहीं कितने बार आपके एग्जाम्स में सवाल सवाल जो है आपको मिल जाते हैं, ठीक है।
ATGC, GCAT, इस तरीके का ट्रांजिशन आपको देखने मिलते हैं। फिर आगे आपके हाइड्रोक्सिलेटिंग एजेंट्स जो हैं, हाइड्रोक्सिलामीन, डीएमिनेटिंग एजेंट्स, नाइट्रस एसिड, है ना, ये आपके स्पेसिफिकली क्या करते हैं, दे कॉज ट्रांजिशंस इन डीएनए। कैसे ट्रांजिशन? ATGC एंड GCAT, इस तरीके का ट्रांजिशन। एल्काइलेटिंग एजेंट्स के बारे में यदि मैं बात करती हूँ, ठीक है, थैंक यू राजन, थैंक यू सो मच बेटा, दीज वर्ड्स मोटिवेट मी टू डू मच 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 मोर हार्ड वर्क। ठीक है, तो अगर मैं बात करी हूँ यहाँ पे आपसे, तो एल्काइलेटिंग एजेंट्स जो है, एथाइल मेथेन सल्फोनेट, है ना, ये और मिथाइल मिथेन सल्फोनेट, ये दोनों ही ये आपके ट्रांसवर्शंस कॉज करते हैं। ओके, देन देयर आर इंटरकैलेटिंग एजेंट्स, प्रो फ्लेविन, आई ट्राई टू शिफ्ट माई सेल्फ जिससे कि आपको और दिख पाए, प्रो फ्लेविन, ETBR, ठीक है, एंड देन एक्रेडिन ऑरेंज, तो ये इंटरकैलेटिंग एजेंट होते हैं, ये डीएनए में इंटरकैलेट कर जाते हैं जाके, और दे लीड टू फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस। ठीक है, ये आपके फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन इन जनरली कॉज करते हैं, डिलीशन कॉज करते हैं, एडिशन कॉज करते हैं, जिसके कारण अल्टीमेटली आपका क्या होगा, आपका फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन मतलब शिफ्ट हो जाएगा थोड़ा सा बेस, जैसे कि मैं अभी शिफ्ट हुई हूँ, ऐसे थोड़ा सा एक शिफ्ट, एक बेस या तो इधर या इधर शिफ्ट हो जाता है, तो पूरा का पूरा फ्रेम जो है आपका रीड करने का वो बदल जाता है, एज वेल एज लीड टू स्लिपेज ड्यूरिंग रेप्लीकेशन, या तो स्लिपेज हो जाता है रेप्लीकेशन के समय पर। ठीक है, फिर आता है रिएक्टिव स्पीशीज, जैसे कि ROS, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, इसके कारण आपके बेस एडेप्ट्स जो हैं वो बनते हुए दिखाई देते हैं। तो ये हो गई आपकी बात, एक ही चार्ट में आपको सारे म्यूटेजन और उनके जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो देखने मिलते हैं, कम से कम कुछ भी नहीं तो एक सवाल तो यहाँ से मिल जाएगा मज़े से, है ना, कहीं किसी मतलब मिलना ही मिलना है इन सवालों से आपको, है ना, 100% मिलना है। नेक्स्ट आते हैं आपके डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम्स के बारे में, आराम से सवाल मिलेगा, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम्स, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज आप जानते हो, ठीक है, ये क्या करते हैं, दे रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस, ठीक है, एंड क्लीव विद इन द पैलिंड्रोम। तो ये क्या कर रहे हैं बेसिकली, ये आपके स्पेसिफिक हमेशा पैलिंड्रोम को ढूंढना, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यदि काम कर रहा है तो पैलिंड्रोम को ढूंढता है वो, पैलिंड्रोम मतलब इधर से पढ़ो सेम होगा, ठीक है, एंड क्लीव विद इन द पैलिंड्रोम टू जेनरेट ब्लंट एंडेड कट्स, ठीक है, स्पेसिफिकली, या फिर स्टिकी कोहेसिव कट, तो दोनों तरीके के आपको जो कट्स होते हैं वो मिल सकते हैं। ठीक है, या तो इस तरीके का मतलब ऐसा कुछ, या फिर इस तरीके का, है ना, आपको किससे, रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस से। फिर आता है सिंगल स्ट्रैंडेड एंडो न्यूक्लियस, तो कौन कौन होते हैं, ये S1 न्यूक्लियस होता है आपका, जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए को कट करता है, डीएनए इज वन होता है, बोथ सिंगल स्ट्रैंडेड एंड डबल स्ट्रैंडेड दोनों को कट करता है ये। ठीक है, डीएनए इज वन जो है, आरएनए इज एच जो है, ये क्या करता है, ये आरएनए के फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट करता है। ये इतने शानदार तरीके से ये चार्ट जो है बनाए गए हैं, ठीक है, आप जैसे कुछ बहुत अच्छे बच्चे जिनका बड़ा दिल होता है उनको मैंने बस कुछ चीज़ें बताई थी, एंड अ फ्यू ऑफ देम, है ना, दे आर हेल्पिंग मी आउट, मतलब बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छे बच्चे। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि कितने कितने अच्छे तरीके से चार्ट आपके लिए बनाए गए हैं, एक एक इन्फॉर्मेशन को इतने प्यार से क्यूरेट किया गया है। आप यहाँ देखो कि जो आरएनए एच है, आप जनरली जितनी भी जगह पे देखोगे ना, कहीं पे भी पढ़ोगे, आपको ये देखने मिलेगा कि हाइब्रिड आरएनए डीएनए हाइब्रिड में से आरएनए को काट देता है। ठीक है, और एक सवाल आपका CSIR में आया था शायद सेक्शन सी में, जहाँ पर पूछा गया था कि वो उसमें उतना तो काट दिया लेकिन बाकी जो नहीं काट पाया, तो इस यदि आपके पास ये इन्फॉर्मेशन रहेगी ना, तो आप उस सवाल को बड़े आराम से कर सकते हो। क्या बात थी, बात ये थी कि बेटा वो सिर्फ राइबो, दो राइबो न्यूक्लियोटाइड के बीच के बॉन्ड को काटता है, एक राइबो न्यूक्लियोटाइड और एक डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड के बीच के बॉन्ड को वो काट नहीं सकता, कौन, आरएनएज एच। ठीक है, इसीलिए मान लीजिए ये डीएनए है और ये रहा आपका आरएनए प्राइमर जो होता है, और मान लीजिए ये आपका डीएनए है जो रेप्लिकेशन के समय पर बन रहा है, तो इस पूरे को जो ये आरएनए के जो बॉन्ड से उनको ये कट कर देगा, लेकिन ये जो डीएनए और आरएनए के बीच का जो बॉन्ड है इसको ये काट नहीं पाता, और यहीं से आपका सवाल आया था CSIR में। ठीक है, तो क्लीव करता है ये आरएनए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को बिटवीन RNTPs बट नॉट बिटवीन DNTP एंड RNTP, देख रहे हो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। फिर आता है आपका बिल्कुल बिल्कुल बॉटनी के लिए भी दिया जाएगा, बिल्कुल दिया जाएगा बच्चों, सब्सक्राइब शेयर लाइक, ये तीन चीज़ करना बिल्कुल मत भूलना, जितना हो सके इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उन तक पहुँचाओ, ये नहीं कि सिर्फ अपने तक रखना है, जितना शेयर करोगे ऑब्वियसली बात है शेयर करने से तुम्हारी नॉलेज घटेगा नहीं, ना तुम्हारा कॉम्पिटिशन कोई बहुत बढ़ जाएगा, है ना, यदि अच्छा काम करोगे जीवन में
तुम्हारे पास अच्छाई तुम्हारी लौट के वापस आनी ही आनी है, तो अच्छा काम करने के लिए खुद भी मोटिवेट हो और दूसरों को भी मोटिवेट करो। डबल स्ट्रैंडेड एंडोन्यूक्लियस के बारे में बात करते हैं। आरएनएज थ्री क्लीव डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है बेसिकली, ये आपके जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है ना, उनको क्लीव करते हैं डबल स्ट्रैंडेड एंडोन्यूक्लियस। फिर आते हैं एक्सोन्यूक्लियस की अगर मैं बात करती हूँ, तो आरएनएज ए जो होता है वो एक्सोन्यूक्लियस का काम कर रहा है, ये आपका 3' एंड ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को क्लीव करता है। एक्सोन्यूक्लियस थ्री जो होता है वो आपका क्या करता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को 3' एंड पे क्लीव करता है। BAL31 जो होता है आपका वो 5' एंड और 3' एंड दोनों को क्लीव करता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए पे, ठीक है। ओके, आप लोग मुझे चैट बॉक्स में मत बताओ किस किस का चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में, जब वीडियो खत्म हो जाएगी, वीडियो के समाप्त होने के बाद में कमेंट सेक्शन जो होता है वहां पे बताना कि तुम्हें किस किस टॉपिक का ये जो है कंटेंट है वो चाहिए, और हो सके तो मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट करना, टेलीग्राम पे ग्रुप में बताना, ठीक है, कि तुम्हें किस किस टॉपिक पे जो चार्ट्स हैं वो चाहिए, है ना। तो वहां बता दोगे तो इन्फॉर्मेशन रहेगी, यहाँ पे वीडियो के नीचे कॉमेंट करो और मुझे टेलीग्राम पे भी बता दो। फिर आता है मूंग बीन न्यूक्लियस। मूंग बीन न्यूक्लियस का क्या होता है, ये आपका सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है उसको कट करता है, ठीक है, रिमूव करता है न्यूक्लियोटाइड। अब इसका क्या रहता है, इसका रहता है कॉन्सेंट्रेशन बेस्ड काम। अगर कम कॉन्सेंट्रेशन रहेगा तो ये सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड को कट करेगा, अगर अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन हो गया तो ये डबल स्ट्रैंड को भी काट देगा, आरएनए डीएनए हाइब्रिड को भी काट देगा, सबको काट देगा, ठीक है। कम कॉन्सेंट्रेशन सिंगल स्ट्रैंड, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन डबल स्ट्रैंड। मूंग बीन के बारे में फेमस बहुत सारी जगहों पे आपको सिर्फ देखने मिलेगा क्या, कि सिंगल स्ट्रैंड को कट करता है, विच इज़ अ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आगे बात करते हैं, अच्छा आप में से अगर यदि आप लोग अनअकैडमी प्लस में मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, जहाँ पे हम कंप्लीट आपका प्रिपरेशन करवाते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू यूज़ दिस कोड DGoswami06 फॉर कंप्लीट सिलेबस प्रिपरेशन, ठीक है। सब कुछ आपको वहाँ पे मिलता है, विद टेस्ट सीरीज इंक्लूडिंग होती है, और इस कोड को यूज़ करने से जितने एजुकेटर जो भी कुछ हो रखा है सब आप पढ़ सकते हो, जो हो चुका है वो रिकॉर्डिंग्स के फॉर्मेट में देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम्स में ही कुछ और एंजाइम्स को देखते हैं। आपका जो लाइगेज है उसमें तीन टाइप के लाइगेज के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, ई कोलाई डीएनए लाइगेज, यूकैरियोटिक डीएनए लाइगेज और टेक डीएनए लाइगेज, ठीक है। टाइप ऑफ एंड, किस तरीके के एंड को वो जोड़ रहा है, कोफैक्टर, किस प्रकार के कोफैक्टर की उसको जरूरत पड़ रही है उसके बारे में बात करते हैं। तो ई कोलाई डीएनए लाइगेज जो होता है आपका कोहेसिव एंड को जोड़ता है, यूकैरियोटिक डीएनए लाइगेज कोहेसिव ब्लंट दोनों एंड को जोड़ता है, टेक डीएनए लाइगेज जो होता है वो कोहेसिव एंड को जोड़ रहा होता है। ई कोलाई डीएनए लाइगेज को जरूरत होती है एनएडी प्लस एज अ कोफैक्टर, यूकैरियोटिक डीएनए लाइगेज को जरूरत होती है एटीपी एज अ कोफैक्टर, और टेक डीएनए लाइगेज को जरूरत होती है वापस से एटीपी एज अ कोफैक्टर की। तो इस सेशन में इतने ही चार्ट्स हैं, ठीक है, इतनी ही है इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट सेशन में और कुछ बहुत ही मजेदार इन्फॉर्मेशन के साथ हम मिलेंगे कल। हर दिन में कम से कम 3 या 4 वीडियोज मैं आपको देने वाली हूँ आपके एग्जाम तक अब, ठीक है। तो प्लीज़ प्लीज़ सेशन को चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। जो आपका ये बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो पहुंच पाए, जितना लाइक करोगे उतना ज़्यादा लोगों तक वो पहुंच पाएगी, ठीक है। टेलीग्राम को ज़रूर से ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है और जो आपका ये है ये यहाँ पे प्रेजेंट है, देख सकते हो इधर, ठीक है, उसको ज़रूर से ज्वाइन कर लो, @DGoswami06 नहीं तो मेरा नाम सर्च कर लो, दीपशिखा गोस्वामी मिल जाएगा, ठीक है। और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो वो बाकी की इन्फॉर्मेशन के लिए सब कुछ है, बाकी मचाना है बेटा, अच्छे से पढ़ाई करो, एकदम फोड़ के आना, इतनी इस रात में इतनी मेहनत करके तुम्हारे लिए जो क्यूरेट करके हम लेके आ रहे हैं और जो बता रहे हैं दे रहे हैं वो इसलिए है कि तुम रैंक कर आओ, तुम रैंक लेकर आओ बढ़िया एकदम, है ना, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो और जीवन में आगे तरक्की करो, आगे कुछ बढ़िया करने की कोशिश करो, ठीक है। ऐसे ही बैठने से खाली कुछ नहीं होगा, टाइम पास करने से, ठीक है, मचाओ एकदम लाइफ में। चलो टेक केयर, गुड नाइट एवरीवन, बढ़िया सो, ठीक है, ओके बच्चों, ख्याल रखो तुम लोग अपना, है ना, ओके ओके गाइज, मोस्ट वेलकम, ठीक है जी, ख्याल रखिए अपना, गुड नाइट। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हो सब लोग, बस बढ़िया मजे में एकदम मस्त, पढ़ाई कर रहे हो अच्छे से, ठीक है। तो आपको चार्ट्स और एक साथ कंपाइल्ड इन्फॉर्मेशन देने की प्रोसेस में, दिस इज़ अवर नेक्स्ट वीडियो, फिफ्थ सेशन है हमारा। अभी तक इसके वीडियोस, जिसने भी वीडियोस नहीं देखे होंगे, मैंने पूरी सीरीज़ प्लेलिस्ट जो है वो ऑलमोस्ट रेडी कर दी है, ठीक है। इसके तुरंत वीडियो के तुरंत बाद जाके आप बाकी के जो 4 वीडियोज़ हैं उनको जाके देख सकते हो, और ज़रूर देख के जाना है, मतलब छोड़ना नहीं है, मतलब नहीं छोड़ना है, ठीक है, किसी भी सूरत में इन वीडियोज़ को मिस करके नहीं जाना है। दूसरी बात ये कि अगर आप इस चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जैसे ही बाकी मैं नेक्स्ट अपडेटेड वीडियोस डालूं, नेक्स्ट वीडियोस, उसकी तुरंत अपडेट आपको मिल जाए। इसके अलावा
टेलीग्राम पे जरूर से आ जाइए, जुड़ जाइए, ठीक है। टेलीग्राम आईडी आप देख सकते हो यहाँ पे। इसके अलावा मेरा नाम भी सर्च करोगे दीपशिखा गोस्वामी, दैट इज सफिशियंट, ठीक है। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का सेशन, ओके। इसके अलावा एक छोटी सी बात, आज दोपहर 2 बजे एक सेशन है जिसमें कि हम आपके 1 घंटे में कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे चीज़ें देखेंगे जहाँ से श्योर शॉर्ट आपको क्वेश्चंस मिलते ही मिलते हैं। दिस इज़ अ फ्री सेशन ऑन अनअकैडमी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो कमेंट सेक्शन में, नहीं तो टेलीग्राम पे तो मिलेगा ही मिलेगा। अनअकैडमी पे मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर लोगे तो सब मिल जाएगा, ठीक है। सब फ्री सेशन है, ओके। चलो, दिस इज़ फर्स्ट आपका चार्ट आज का। इसमें हमें क्या देखने मिलेगा, तो देख सकते हो आप यहाँ पे डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम्स के बारे में बात हो रही है और उनके फंक्शन काफ़ी फ्रीक्वेंटली यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने मिलते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है आपका एंजाइम, T4 पॉली न्यूक्लियोटाइड काइनेज। अब काइनेज नाम से ही आपको समझ में आना चाहिए, काइनेज का मतलब होता है वो एंजाइम जो कि फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करेगा, ठीक है। तो ये क्या लिखा है यहाँ पे आपसे कि दिस एड्स फॉस्फेट ग्रुप एट द 5' एंड ऑफ डीएनए टू प्रमोट लाइगेशन। क्वेश्चंस में किस तरीके से आपको घुमाते हैं, लिख देंगे 3' एंड पे ऐड कर रहा है, या फिर अगर रेडियो लेबलिंग करवा दी और वो ऐड हुआ तो किस एंड पे ऐड होगा, चार स्टेटमेंट दे दिए और उसमें एक में लिख दिया 5' एंड, एक पे लिख दिया आपका कुछ, एक पे कुछ, एक पे कुछ, ठीक है, किस अलग अलग प्रकार से, तो वहां पे आपको फंसाया जाता है। जैसे डायरेक्ट आपसे नहीं पूछेगा कि, हाँ डायरेक्ट भी पूछते हैं कभी कभी, रेयरली सिनेरियोज में, बहुत ही रेयर सिनेरियोज में, लेकिन जनरली वो जो है आपसे पूछते हैं कि घुमा के थोड़ा सा, है ना। तो एकदम अपने दिमाग पे टन से पहुंचना चाहिए वहां पे कि अच्छा T4 पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज मतलब ये करेगा। फिर आता है आपका एल्केलाइन फॉस्फेटेज, फॉस्फेटेज तो टेज मतलब कि फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करने वाला, हटाने वाला। तो ये क्या करता है, ये फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करता है फ्रॉम द 5' एंड ऑफ द डीएनए टू प्रिवेंट रिसर्कुलराइजेशन ऑफ डीएनए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका लीनियर डीएनए है, यहाँ पे 5' फॉस्फेट ग्रुप है, यहाँ पे आपका 3' ओएच है, ठीक है। आपको पता है ये बात कि ओएच जो होता है उसके पास न्यूक्लियोफिलिक अटैक की अपॉर्चुनिटीज़ या पॉसिबिलिटीज़ या उसके पास क्षमता होती है और वो उसके ऊपर अटैक करता है। इसी अटैक के कारण ये जो दोनों दोनों आपके फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन ऐसे ही होता है, आप जानते होंगे, जब OH जो है वो अटैक करता है आपके फॉस्फेट पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है कि अगर ये लीनियर है और ये फ्री आपका OH है और यहाँ पे फॉस्फेट प्रेजेंट है, तो ये इसको जाके इस पे अटैक करेगा और ये इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कि सर्कुलराइज हो जाएगा। तो इसको बचाने के लिए अगर हम इस फॉस्फेट को ही यहाँ से हटा दें तो ये अटैक किस पे करेगा जाके, तो सर्कुलराइज होने की जो उसकी टेंडेंसी है वो उसको हम पूरी तरह से खत्म कर दे रहे हैं। फिर आता है आपका टर्मिनल डीएनए ट्रांसफरेज, टर्मिनल ट्रांसफरेज टर्मिनली कहीं भी टर्मिनल पे, टर्मिनल का मतलब होता है छोर, कोई एंड पॉइंट, उस पे कोई ट्रांसफरेज, कोई किसी चीज को हम ट्रांसफर करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, इट प्रमोट्स द कंडेंसेशन ऑफ डीएनटीपीज इनटू द 3' एंड ऑफ डीएनए। तो 3' एंड पे जनरली ये आपके जो कुछ भी एनटीपीज होते हैं, डीएनटीपीज जो होते हैं आपके, चाहे वो ए हो गया, टर्मिनल आप बोल देंगे, फिर यहाँ पे टर्मिनल एडेनाइल ट्रांसफरेज है ना, जो कि आप यहाँ पे यूज करते हो। अगर आपको याद होगा तो टर्मिनल जो ट्रांसफरेज होता है उस एंजाइम का बहुत सारे प्रोसेसेस में यूज़ करते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि फंडामेंटल प्रोसेस में इसके बारे में आप कहाँ पढ़ते हो जहाँ पे एडेनाइलेट का ट्रांसफर होता है, ठीक है, इन अ टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। ये चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं कि ये चीज़ टर्मिनल टेम्पलेट डिपेंडेंट होती है। ये क्वेश्चन कई बार आया है, ठीक है, आपके एग्जाम्स में, कि ये चीज़ आपका टेम्पलेट डिपेंडेंट होती है या टेम्पलेट इंडिपेंडेंट होती है। अब बहुत सिंपल सी बात है, मान लीजिए ये टेम्पलेट है और यहाँ पे मुझे किसी चीज़ को ऐड करवाना है, ठीक है। तो अगर मुझे पता सिर्फ ऐसे ही ऐड करवाना है कि मान लीजिए GC है और मुझे इसको देख के ऐड करवाना है कि भैया GC इस तरीके से, तो मुझे इस टेम्पलेट की जरूरत है। पर अगर मुझे पता है कि मुझे सिर्फ A ऐड कराने हैं, तो क्या मुझे टेम्पलेट की जरूरत है, क्या मुझे उसको देखने की जरूरत है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मैं टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में काम करूंगी और हो जाएगा, ठीक है। तो ये रही आपकी 3 बातें, आगे चलते हैं। अब आता है ये चार्ट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चार्ट फॉर योर गेट गाइज, यहाँ से आपको सवाल मिलना ही मिलना है, मतलब या तो अगर एंटीबॉडी से आएगा, IgE आएगा, तो अब यहाँ से आपको सवाल मिल जाएगा, नहीं तो फिर आपके MHC या जो दूसरे एरियाज है जिनका चार्ट भी मैं आप लोगों को दे दूंगी। इस चैनल से जुड़े रहो, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, ये करना मत भूलो, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं, कॉन्सेंट्रेशन इन सेरम, रिस्पॉन्स टाइम, फंक्शन, नंबर ऑफ एंटीजन बाइंडिंग साइट्स कितनी है, प्रेजेंस ऑफ हिंज रीजन, हैवी चेन टाइप, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन इन सेरम की अगर हम बात करते हैं तो ये होता है 80%,
IgM 6%, IgA 13%, IgE 0.3% से थोड़ा ज़्यादा, ठीक है, और IgD 1%, मतलब सबसे ज़्यादा कौन सी होती है आप देख सकते हो, IgG, हाईएस्ट आपका IgG होती है, और लोएस्ट होती है आपकी IgE, ठीक है। रिस्पॉन्स टाइम की अगर मैं बात करती हूँ तो आपका सेकेंड रिस्पॉन्स टाइम के बारे में अगर मैं बात करूँ तो सेकेंड है यहाँ पे IgMs फर्स्ट, ए ई और डी लेटर आपके सिनेरियोज में रिस्पॉन्स टाइम जो है वो मतलब उनका रिस्पॉन्स जो है वो शो करते हैं, ठीक है। फंक्शन अगर मैं बात करती हूँ तो IgG जो होता है आपका एंटीबॉडी बेस्ड इम्यूनिटी सच एज कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन, IgM मेजर एंटीजन बाइंडिंग एंटीबॉडी, मेजर कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग एंटीबॉडी, ठीक है। IgA प्रेजेंट इन सिक्रीशंस में प्रेजेंट होता है, कई बार पूछा जाता है आपसे सिक्रीशंस में कौन प्रेजेंट होता है। IgE एलर्जिक एंड पैरासिटिक इन्फेक्शंस, एलर्जिक के बारे में कई बार सवाल आया है। IgD एंटीजन बाइंडिंग वापस से, नंबर ऑफ एंटीजन बाइंडिंग साइट्स यहाँ पे दो होती हैं, IgM में 10 होती है बिकॉज यू नो इट इज पेंटामेरिक, ठीक है। आप मुझे बताइएगा जो टीडियोस्ट फिशेज होती हैं उसमें IgM का स्ट्रक्चर या जो IgM है उसमें कितनी एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती हैं प्रेजेंट, ये जुआलॉजी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि जो टीडियोस्ट फिश है या फिर फिश में, पहली बात तो फिश में कौन कौन सी एंटीबॉडी आपको मिलती है, कौन सा मिलता है देखने, ठीक है। और दूसरी बात फिशेज में IgM जो होता है वो उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो कितना होता है, उसमें कितनी एंटीबॉडी बाइंडिंग कितनी एंटीजन बाइंडिंग साइट्स उसमें प्रेजेंट होती है, दो चीज़ों का आंसर आपको बताना है। IgA 2 और 4, IgE 2, IgD 2 वापस से, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ हिंज रीजन की अगर मैं बात करती हूँ, IgG इट्स प्रेजेंट, IgM एबसेंट होता है, IgA में प्रेजेंट है, ई में एबसेंट है, डी में प्रेजेंट है, ठीक है। तो किस किस में एबसेंट है, किस में प्रेजेंट है आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर हैवी चेन टाइप बिल्कुल मुझे यहाँ पे कुछ आंसर्स मिलने लगे हैं, बट आई वॉन्ट कि आप लोग कॉमेंट सेक्शन में और आंसर करो, एंड कुछ सही भी आंसर मिल रहे हैं, ठीक है। हैवी चेन टाइप की अगर हम बारे में बात करते हैं तो IgG इज गामा, ठीक है। IgM आप यहाँ पे देख सकते हो, उसको न्यू किसी भी तरीके से बोल देते हैं। IgA अल्फा, ठीक है, IgE एप्साइलन बोल देते हैं, एंड IgD इट इज डेल्टा। ऑलराइट, आगे बात करते हैं थर्ड पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन एलोटाइप, आइसोटाइप एंड इडियोटाइप, ये तीन पॉइंटर्स के बीच में सवाल कई बार सवाल पूछा गया है यहाँ से आपसे, और सब में मतलब अगर मुझसे कोई बच्चा पूछेगा कि मैम ये क्या गेट के लिए है स्पेसिफिकली, क्या CSIR के लिए स्पेसिफिकली, नहीं, ये आपकी सारी परीक्षा जितने भी आप देने वाले हो, CSIR, गेट, ICMR, DBT, कुछ भी, PhD के एंट्रेंस सब में काम आएगा, ठीक है। जो NII का देने वाले हैं अभी एंट्रेंस, उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, सारी एग्जाम्स के लिए। आइसोटाइप, इडियोटाइप एंड एलोटाइप क्या है देखिएगा, आइसोटाइप में क्या होता है, एंटीबॉडीज विच पजेस रिजेम्बलेंस इन FAB रीजन, ठीक है, जो FAB जो एंटीबॉडी बाइंडिंग रीजन है उसमें रिजेम्बलेंस है, लेकिन जो उनका कॉन्स्टेंट रीजन होता है जो FC रीजन है उनका, ठीक है, वो डिफरेंट है, उसको हम बोलते हैं आइसोटाइपिक एंटीबॉडी। AB एंटीबॉडी बाइंडिंग रीजन इज सेम बट FC इज डिफरेंट, FC जो है आपका वो डिफरेंट है, ठीक है। आइसोटाइपिक डिटर्मिनेंट्स जो होते हैं वो आपके FC रीजन में ही इसीलिए प्रेजेंट होते हैं, ऑब्वियस ही बात है, जहाँ डिफरेंस होगा हम उसी डिफरेंस से तो किसी चीज़ को डिटरमाइन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान कोई दूर से आपको बोला जा रहा है कि आपको पहचानना है किसी को, आप नहीं जानते उनको, तो आपको बताया जाता है कि अच्छा वो रेड कलर के कपड़े पहने होंगे या वो ब्लू कलर के कपड़े पहने होंगे, इस तरीके से कुछ भी आपको बताया जाएगा, है ना। तो देयर मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ डिफरेंसिएशन, कुछ डिफरेंस प्रेजेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जैसे कि आप पहचान पाओ डिफरेंशिएट करने के लिए, ठीक है। NII के फॉर्म निकल चुके हैं पूरा बेटा, है ना। देन इडियोटाइप के बारे में मैं बात करती हूँ, तो एंटीबॉडीज विच हैव सिमिलर FC, अब यहाँ पे उल्टा हो गया, यहाँ पे FC सिमिलर हो गया, ठीक है, लेकिन FAB रीजन जो है वो आपका डिफरेंट हो गया, उनको हम बोलते हैं इडियोटाइपिक। इसको तुम इडियट एक टर्म है उससे भी रिलेट कर सकते हो समहाउ, ठीक है। आइसोटाइप में क्या हो रहा है, आइसोटाइप में कॉन्स्टेंट रीजन जो है वो बदल रहा है, लेकिन जो इडियोटाइप है, इडियोटाइप में क्या हो रहा है, जो FAB रीजन है वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। किस तरीके से रिलेट कर सकते हो कुछ सोचना पड़ेगा, मतलब कुछ भी सोच के तुम मतलब सोच लो कि यार एंटीबॉडी बाइंडिंग जो रीजन है आपका वही अलग अलग है, मतलब एक जो है वो अलग प्रकार की एंटीबॉडी से मतलब आपके जो क्या बोल सकते हो एंटीजन सॉरी एफ ए मतलब एंटीजन बाइंडिंग जो रीजन है, एंटीबॉडी बाइंडिंग नहीं, एंटीबॉडी तो ये खुद ही है, एंटीजन बाइंडिंग जो रीजन है आपका, ठीक है, वो डिफरेंट है, वो अलग अलग तरीके से काम कर रहा है ना, वो डिफर कर रहा है, तो ये जो सिनेरियो है वो इडियोटाइपिक आपके एंटीबॉडीज में आएगा। और जो FC रीजन है वो आपका होना चाहिए सेम, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे FC रीजन जो है वो आपका सेम हो जाएगा,
ठीक है, और एफ ए बी रीजन मतलब एंटीजन बाइंडिंग जो रीजन होता है आपका वो आपका डिफर करेगा। ठीक, इडियोटाइपिक डिटर्मिनेंट्स आर फाउंड इन द एफ ए बी रीजन। अब ऑब्वियस ही बात है, वापस से वही डिटर्मिनेशन की बात आ गई, यहाँ पे एफ सी में थे, यहाँ पे एफ ए बी में पाए जाएंगे, है ना। एलो टाइप, एलो टाइप में क्या होता है, एंटीबॉडीज विच बिलोंग टू सेम क्लास, क्लास उनकी सेम है लेकिन उनका एफ सी रीजन जो है मतलब डिफर इन सम रीजन इन द एफ सी विद इन द सेम स्पीशीज, मतलब क्या हुआ कि उनका जो क्लास है वो सेम है, ठीक है, लेकिन उनका जो रीजन है मतलब जो एफ सी रीजन है जिसको मैं बोल रही हूँ उसमें भी कुछ रीजन जो होते हैं वो बदल जा रहे हैं और वो सेम स्पीशीज में हो रहा है। तो क्या बातें हुई यहाँ पे, सेम स्पीशीज में, ठीक है, एंटीबॉडी सेम क्लास को बिलोंग कर रही है लेकिन उसमें एफ सी में कुछ सम स्पेसिफिक रीजन जो है आपका वो डिफर कर रहा है, तब हम बोलते हैं उसको एलोटाइप सिनेरियो। ठीक है, एलोटाइपिक जो वेरिएंट होते हैं दे आर प्रेजेंट इन एफ सी रीजन ऑफकोर्स, अनलाइक आइसोटाइपिक। अब यहाँ से डिफरेंट बात क्या है, आइसोटाइपिक डिटर्मिनेंट से डिफरेंट बात ये है कि जो एलोटाइपिक होते हैं दे आर फाउंड विद इन द सेम स्पीशीज, तो ये सेम स्पीशीज में आपको मिल रहे हैं, बात लगभग सेम है ना, तरीका लगभग सेम है लेकिन वो सेम स्पीशीज में हो जा रहा है काम, इसलिए हमने उसको एलोटाइप नाम दे दिया। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोगों को बड़े आराम से ये सब समझ गए होंगे, आइसो, इडियो, एलो, इनमें क्या डिफरेंस होता है। एग्जाम्पल्स इनके पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, अगर आपको कुछ मिलेंगे कि कौन मतलब कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल कहीं देखने मिल रहा है, कोई सिनेरियो देखने मिल रहा है, ये आपका छोटा सा एक होमवर्क है, देखने की कोशिश कीजिएगा कि क्या क्या आपको मिल रहा है। बाकी अगर वीडियो पसंद आती है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज जरूर से बताएं कि भैया हाँ मैम आप पसंद आ रही है, हेल्प मिल रही है हमको, ठीक है, जिससे कि मैं कंटिन्यू करूँ ये आपका जो प्रोसेस है। बाकी जो वीडियो को लाइक है, शेयर है, सब्सक्राइब है, तीन चीज़ करना बिल्कुल मत भूलिए। और मैं आपको अगले आने वाले आज कल परसों मैं लगातार कम से कम दिन में 4 या 5 ऐसे वीडियोस देने वाली हूँ डेली का डेली, ठीक है, तो इनको देखना बिल्कुल मत भूलिए। बाकी 2 बजे मैं मिलती हूँ आपसे, फ्री सेशन है, फ्री सेशन में हम लोग ऐसे कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे जहाँ से आपको शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे आपके गेट एग्जाम में, ठीक है, तो पहुँच जाइएगा। और फ्री सेशन है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो कमेंट में, नहीं तो फिर आपको टेलीग्राम पहुँच जाइए, वहाँ पर मिल जाएगा। सब्सक्राइब जरूर से करते जाइए, टेक केयर एवरीवन, ख्याल रखो, इंजॉय, ठीक है, चलो। हाय एवरीवन, सो दिस इज अवर नेक्स्ट सेशन, ठीक है, ये आपका सेशन 7th है और इसके पहले के जितने सेशन से वापस से मैं वही बोल रही हूँ आप लोगों से, उसको ज़रूर से देख लीजिएगा। अगर नहीं देखना है आपने अभी तक तो, देखा है तो बहुत अच्छी बात है, उसको कम से कम 3 या 4 बार मिनिमम देख कर जाइएगा एग्ज़ाम से पहले। और ये आपके ये सारे ही एग्ज़ाम, चाहे वो नेट हो, चाहे वो गेट हो, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के लिए ये सीरीज़ जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। बाकी 2-3 चीज़ें सिंपल, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जैसे जैसे ही मैं लाइव आऊँ वैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा आपका जो लाइव वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है, ये आपका प्यार है जो आप दिखा सकते हो लाइक और शेयर करके, प्लीज़ डू दैट, ओके। एंड देन टेलीग्राम पर जुड़ जाइए जैसे कि नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहे, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, शुरू करते हैं, मोस्ट वेलकम बच्चों, ठीक है, चलो। तो प्लान सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के लिए आप लोग एकदम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे थे काफ़ी ज़्यादा समय से, है ना, कि मैम प्लान सेकेंडरी मेटाबोलाइट का एक चार्ट तो चाहिए ही चाहिए, तो ये रहा आपके लिए चार्ट बेटा। तो ओके, सो क्लासेस ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंड देयर फंक्शन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आप टर्पेनॉइड्स देख सकते हो कौन कौन है यहाँ पे। हेमी टर्पेनॉइड्स में आते हैं आइसोप्रीन, प्रेनॉल। मोनो टर्पेनॉइड्स में पिनीन, लेमोनिन, ठीक है, सिस्कोटर्पिन, ABA, डाइटर्पिन, GA, टेक्सोल, आपके ABA, GA कौन है, या आई एम श्योर आपको पता होगा, कई बार यहाँ से सवाल आया है कि ये ABA जो एब्सिसिक एसिड होता है ये सिस्कोटर्पिन है, ये क्या है, GA जो है वो क्या है, ठीक है। ट्राइटर्पिन, सेपोनिन्स, ब्रेसिनोस्टेरॉइड, स्कोरिंस, कई बार यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। फंक्शन के बारे में यदि मैं बात करती हूँ तो प्लांट इंटरेक्शन, प्लांट ग्रोथ, प्लांट ओके, इंसेक्टिसाइड्स, एंटी फंगल रिस्पॉन्स, ये सिनेरियो है। फेनोलिक्स जो होगा, ठीक है, फेनोलिक्स के बारे में यदि मैं बात करती हूँ तो काउमेरिन्स, हाइड्रोक्सी काउमेरिन्स, लिग्निन, रेस्वेराट्रोल, ठीक है, फ्लेविनोइड्स, क्वेरसेटिन, आइसोफ्लेविनोइड्स, जिंस्टिन एंड टैनिन्स, ओके, एंटी फंगल, पिगमेंटेशन, डिफेंस, ब्लॉकिंग पैथोजेनिक ग्रोथ, फीडिंग रेपेलेंट्स, डिजीज रेजिस्टेंस, ये सब आपका फंक्शन हो गया। फिर आता है नाइट्रोजन और सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स, यहाँ पे आ जाएगा आपकी एल्केलॉइड्स, इसमें आ जाएगा पायरोलिजरिन,
निकोटीन, साइनोजेनिक ग्लूकोसाइड्स, एमाइडेलिन, ठीक है, देन फाइटोजेलेटिन्स, ग्लूटाथायोन, ग्लूकोसिनोलेट्स, एलाइल सिस सल्फोक्साइड्स, नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड्स, केनेवेनिन. ओके, देन दीज आर ब्रॉड स्पेक्ट्रम डिफेंस अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड फंजाई सेलुलर एंटी ऑक्सीडेंट. तो ये हुआ आपका प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का इन जनरल टेबल, कौन कौन सी कैटेगरी है, क्या क्या उनके क्लासिफिकेशन है, कौन कौन उनमें आता है और क्या उनके इन जनरल फंक्शंस होते हैं. फिर आता है कौन से ऑर्गेनिज्म से आपको कौन सा कंपाउंड जो है वो मिलता है. कैफीक एसिड जो है आपका वो वनीला प्लांटिफोलिया से मिलता है. निकोटीन, निकोटियाना, आर्टेमिसिनिन, आर्टेमिसिया, ओपीएम एल्केलॉइड्स जैसे कोडीन, मॉर्फिन, पेपेवर, सोमनीफेरम, पता नहीं कितने सवाल यहाँ से आपको इस चार्ट से फ्रीक्वेंटली मिलते हैं. बेलाडोना एल्केलॉइड्स, एट्रोपीन, हायोसाइमीन, स्कोपोलामीन, एट्रोपा बेलेडोना से मिलता है आपको. डिजिटेलिस, जो डिजिटेलिस ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, डिजिटॉक्सिन, डाइजॉक्सिन, वो डिजिटेलिस, परप्यूरिया भी मैंने आपको सवाल करवा के चुकी हूँ, एक आया है. कैथेरेंथस एल्केलॉइड्स, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, कैथेरेंथस रोजियस से मिलता है. कॉल्चिसिन, ठीक है, कॉल्चिसिन, कॉल्चिकम, ऑटमनिल, कोकेन, एरिथ्रोक्साइलॉन, गोकोका, ठीक है, एक्सक्यूज मी फॉर माई प्रोनंसिएशन बिकॉज दीज आर एक्सट्रीमली टफ टर्म्स, काफ़ी टंग ट्विस्ट रहे हैं. कोकेन, ठीक है, देन मेंथॉल, मेंथा पाइपरेटा, पाइपरेटा, एट्रोपिन, एट्रोपा बेलेडोना, देन रिजर्पिन, रोबेल्फिया, सरपेंटाइना, देन फाइसोस्टिगमिन, ये हो गया आपका फाइसोस्टिग्मा वेनेनोसम, देन क्विनिडिन, क्विनिन जो है आपका चिनकोना स्पीशीज. सो दिस इज एन एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चार्ट, प्लीज डू रिवाइज दैट, ठीक है, बिफोर गोइंग फॉर द एग्जाम. देन देयर इज अ कंपैरिजन चार्ट ऑफ C3, C4 एंड आपका, बिल्कुल ठीक है, सो कंपैरिजन ऑफ C3, C4 एंड कैम पाथवे का एक कंपैरिजन चार्ट है, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. तो सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले जो स्टेबल, सबसे पहला स्टेबल प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूँ तो C3 में होता है वो 3-फॉस्फोग्लिसरेट, C4 में होता है वो ऑक्जेलो एसीटेट, और कैम में होता है वापस से वो ऑक्जेलो एसीटेट. मेजर एंजाइम की यदि बात करते हैं तो यहाँ होता है रुबिस्को, C4 में वापस से पेप जो आपका एंजाइम होता है, ठीक है. देन कैम में भी, कैम और C4 लगभग सेम पाथवे हैं आपके, तो यहाँ पे भी सेम तरीके का एंजाइम काम कर रहा होता है. मेजर साइकिल्स के बारे में बात करते हैं तो C3 है, यहाँ पे C3 होता है बंडल शीट में और C4 होता है आपका मेसोफिल सेल्स में. देन कैम पाथवे में आपका C3 होता है ड्यूरिंग डे एंड C4 होता है ड्यूरिंग नाइट, ठीक है. साइट कहाँ पे होता है, लोकेशन की यदि मैं बात करती हूँ तो स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट C3, C4 बंडल शीट सेल्स, कैम मेसोफिल सेल्स. साइट ऑफ फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन स्टेप, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट फॉर C3, C4 के लिए साइटोसोल ऑफ मेसोफिल सेल्स है, कैम के लिए साइटोसोल ऑफ मेसोफिल सेल्स है, ठीक है. क्रैन्स एनाटॉमी यहाँ पे एब्सेंट होती है, बाकी इसमें प्रेजेंट है, और क्योंकि यहाँ पे भी C4 का आपका रोल होता है तो यहाँ पे भी प्रेजेंट लगभग मान सकते हैं. CO2 ATP NADPH का जो रेशियो है दैट इज 1:32, 1:32, 1:65, 1:6.52. CO2 कंपनसेशन पॉइंट जो होता है वो 25 to 100 ppm तक होता है, ये 0 to 100 तक होता है, ये 0 to 5 ppm तक होता है. पूछते हैं आपसे किसका ज़्यादा होता है, किसका कम होता है कंपैरेटिवली, हर तरीके के सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है. क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म एबसेंट होता है यहाँ पे, ऑब्वियसली आप जानते हैं कि यहाँ पे दो तरीके के क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलते, जहाँ पे एक बड़ा है एक छोटा है, एक में क्लोरोफिल जो है वो, मतलब एक में जो चीज़ें हैं आपको ये जो मेम्ब्रेन्स हैं जहाँ पे आपका प्रोसेस हो सकते हैं वो प्रेजेंट है, एक में वो एबसेंट है, ऑफकोर्स बिकॉज ऑफ वॉट सो एवर रिक्वेस्ट इज देयर, जो रिक्वायरमेंट है उसको देखते हुए आपके यहाँ पे चेंजेस किए जाते हैं. अगर आप मुझसे पढ़ते हैं प्लांट फिजियोलॉजी, आपको ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से आती होंगी. तो ये एब्सेंट है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी ये एब्सेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ C4 पाथवे में ये प्रेजेंट होता है. ऑप्टिमम टेम्परेचर की अगर मैं बात करती हूँ तो इट्स 25 to 35 degrees centigrade, ये ज़्यादा टेम्परेचर पे काम करते हैं. और कैम तो ऑब्वियसली आप जानते हैं कि ये तो प्लांट जो पानी के ट्रांसपायरेशन या पानी के लॉस को कम मिनिमाइज करने के लिए ही कैम जो पाथवे है या कैम तरीके के जो ये पार्ट इन प्लांट्स के बारे में हम पढ़ भी रहे हैं, क्योंकि पानी के लॉस से हमें बचना होता है इन वाले प्लांट्स को स्पेसिफिकली.
तो ये बहुत हाई टेम्परेचर मतलब जो ऐसे एरियाज हैं वहाँ पे आप पाए जाते हैं इन जनरल, ठीक है। यू आर मोस्ट वेलकम बच्चों। और बस तुम लोग अपना प्यार दिखाने के लिए छोटा सा काम कर सकते हो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों तक पहुँचाओ, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये जो कि तुम्हारे द्वारा किया गया काम है और ये मेरे लिए है, वो ये है कि इनको पढ़ो, इनको कम से कम 3 से 4 बार मिनिमम पढ़ के जाओ, ठीक है। हर एक को जैसे भी पढ़ना है, वीडियो को दोबारा दोबारा देख के पढ़ के याद हो रहा है वैसे पढ़ो, स्क्रीनशॉट लेके खुद से याद करके याद हो रहा है जैसे भी पढ़ के याद हो रहा है बस पढ़ो। द पॉइंट इज पढ़ लो, ठीक है। वो मेरी सबसे बड़ी हेल्प होगी, तुम्हारा एग्जाम निकलेगा बहुत खुशी की बात होगी। चलो टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं कल। टुमारो आई ट्राई टू गिव यू अ फ्यू मोर सेशंस। फॉर दैट सब्सक्राइब द चैनल, बेल आइकन को प्रेस कर दो, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो सबके सब। टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग में दे दिया है ना। टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो सबके सब और अन अकेडमी फॉलो कर सकते हो बाकी की फ्री सेशंस के लिए। कल आपका 2 बजे बायोकेमिस्ट्री का फ्री टेस्ट है, मेगा टेस्ट है बेसिकली, फ्री सेशन है, ठीक है। इसका लिंक मैं टेलीग्राम पे दे दूंगी। और इसके अलावा एक और फ्री सेशन है कल आपका 11:30 बजे सुबह, ठीक है। ओके टेक केयर एवरीवन, ख्याल रखो आप लोग अपना, ठीक है। ओके चलिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन, अच्छे से पढ़ाई करो, ओके। हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून गाइस। सो दिस इज अवर 8th पार्ट, और जो लोग 6th पार्ट के लिए परेशान हो रहे हैं बच्चों परेशान मत हो, ठीक है। आई विल बी अपलोडिंग इट अगेन बिकॉज देयर वॉज अ माइनर चेंज जिसके कारण मुझे उसको वापस से अपलोड करना होगा, ठीक है। तो इसलिए उसके बारे में बिल्कुल परेशान होने का आई थिंक नीड नहीं है। बाकी आप में से जो लोग पहली बार इस सेशन को देख रहे हो, ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो थैंक यू एम यू आर मोस्ट वेलकम बच्चों। सबसे पहली चीज़ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये 3 चीज़ ज़रूर से करते रहिएगा जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले ये अच्छा काम करने के लिए, है ना। और मैं आपको इसके लिए कुछ भी मतलब आई विल नेवर बी चार्जिंग एनी थिंग फॉर एनी एजुकेशनल वीडियो, दैट इज़ फॉर श्योर। बट द पॉइंट इज़ बस एक छोटा सा पॉइंट कि सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक करने से वो जितना ज़्यादा आप लाइक करोगे उतना ज़्यादा वो लोगों तक पहुंच पाएगा। और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में जो भी इस सब चीज़ों के बारे में तैयारी करें, ठीक है। इकोलॉजी के लिए देर आर टू थ्री वेरी गुड बुक्स निर्मला, वन इज़ ओडम, ठीक है। वन इज़ आई विल बी शेयरिंग द आई एम नॉट एग्जैक्टली एबल टू रिकॉल द नेम, सो आई विल बी शेयरिंग यू द बुक द PDF इन द टेलीग्राम ग्रुप। तो उसके लिए सबके सब स्टूडेंट्स टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए बिकॉज दैट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। वहाँ पे सारी की सारी जितनी भी आपके इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं प्री सेशंस या कुछ भी, उनके सबका लिंक, सारे बुक्स के PDF, नोट्स के PDF, सब कुछ आपको वहीं पे मिलते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो फॉर ऑल द अपडेट्स, ठीक है। एंड शुरू करते हैं आज का सेशन। सो दिस इज अवर 8th सेशन। इसके पहले के जिन्होंने भी नहीं देखे हैं पहले ज़रूर से देख लीजिएगा, टोटल 7 पार्ट्स हैं, है ना अभी तक के। एंड ओके शुरू करते हैं। तो दिस इज़ फर्स्ट आपका जो स्लाइड है इसमें हम क्रोमैटोग्राफी के बारे में बात करने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा पूछा गया ये टॉपिक है और मतलब ऑलमोस्ट हर बार मैं बोल सकती हूँ, हर बार नहीं तो ऑल्टरनेट ईयर्स में यहाँ से एक क्वेश्चन तो ज़रूर से आता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंटर है दैट इज़ आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी, ठीक है। आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी का जो बेसिस ऑफ सेपरेशन होता है वो होता है चार्ज, ओके। जितने लोग जुड़े हो बिना लाइक किए बिना एक भी बच्चा मत जाना, ठीक है। आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी, चार्ज इज द बेसिस ऑफ सेपरेशन। दो होते हैं, एक होता है केटायन एक्सचेंज एंड द अदर वन इज़ एन आयन एक्सचेंज। तो जो केटायन एक्सचेंज होता है वो केटायंस को सेपरेट करता है और जो एन आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी होती है वो एन आयंस को सेपरेट करती है, ठीक है। जो रिजल्ट होता है केटायन को सेपरेट करने से आपको केटायन एल्यूट टेस्ट लास्ट सबसे लास्ट में मिलता है, और जो एनायन को सेपरेट करते हैं वहाँ पे एनायंस एल्यूट लास्ट मतलब सबसे लास्ट में एनायंस एल्यूट हो रहे होते हैं, ओके। देन एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँगी तो केटायंस के केस में CM सेल्यूलोज है, एनायंस के केस में दिस इज DEAE सेल्यूलोज, ऑलराइट। नेक्स्ट आता है आपका जेल फिल्ट्रेशन क्रोमैटोग्राफी या फिर साइज एक्सक्लूजन क्रोमैटोग्राफी, ओके। ये आपका जो बेसिस ऑफ सेपरेशन होता है दैट इज साइज एंड शेप, ये दो चीज़ें होती हैं। रिजल्ट आप अगर आप देखोगे तो लार्जर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जो बड़े मॉलिक्यूल होंगे वो पहले इल्यूट करेंगे, ल्यूट आउट करेंगे, और स्मॉल जो मॉलिक्यूल्स हैं कंपैरेटिवली स्मॉलर मॉलिक्यूल्स वो उनके पीछे पीछे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। ये आपका ऑर्डर होता है इन केस ऑफ जेल फिल्ट्रेशन क्रोमैटोग्राफी या फिर साइज एक्सक्लूजन क्रोमैटोग्राफी। फिर आता है थर्ड आपका एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी, ठीक है।
इसके केस में अगर मैं बात करूंगी तो बाइंडिंग स्पेसिफिसिटी जो होती है उसके बेसिस पे यहाँ पे हम आपका जो सेपरेट करते हैं चीज़ों को, टाइट नॉन कोवेलेंट बाइंडिंग आपका सिनेरियो होता है, ठीक है। प्रोटीन जिसकी ज़्यादा एफिनिटी है वो सबसे लास्ट में इल्यूट करेगी, तो ऑब्वियस ही बात है जिसकी एफिनिटी होगी वो बाइंड कर लेगी और सबसे लास्ट में उसका इल्यूशन होगा, ओके। देन द फोर्थ वन इज एड्सॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी। एड्सॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी में आप फिजिकल एड्सॉर्प्शन होते हुए देखते हैं, ठीक है, वॉन्डरवॉल्स एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग के मदद से, ओके। एंड इसका एग्जाम्पल जो होता है दैट इज सिलिका जेल एलुमिना, ऑल राइट। ये दो चीज़ें आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के फॉर्मेट में मिलेंगी। एंड द फिफ्थ वन इज थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी में क्या होता है, सेपरेशन ऑफ नॉन वोलेटाइल मिक्सचर्स बाय रिलेटिव एफिनिटी टुवर्ड्स स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज, मतलब कि जो नॉन वोलेटाइल, जिनका जो जो वोलेटाइल नहीं है जो भी आपके मिक्सचर, उनको अगर हमको अलग करना है तो हम कैसे करेंगे, हम उनकी स्टेशनरी और मोबाइल फेज के साथ किस तरीके की एफिनिटी है, जो रिलेटिव एफिनिटी है, उस बेसिस पे यहाँ पे हम उनको सेपरेट करते हैं। देन द नेक्स्ट वन इज रिवर्स फेज क्रोमैटोग्राफी, विच इज द सिक्स्थ वन, रिवर्स फेज क्रोमैटोग्राफी एंड हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन क्रोमैटोग्राफी, ओके। यहाँ पे भी जो बेसिस ऑफ सेपरेशन होता है दैट इज हाइड्रोफोबिसिटी, एंड जो रिजल्ट अगर मैं बात करती हूँ तो दैट विल बी नॉन पोलर और हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस जो होगा आपका, क्योंकि हाइड्रोफोबिसिटी है बेसिस ऑफ सेपरेशन, तो जो भी नॉन पोलर या जो भी हाइड्रोफोबिक चीज़ें होंगी वो सबसे लास्ट में इल्यूट कर रही होंगी। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट। एक चार्ट में पूरा का पूरा क्रोमेटोग्राफी आपका समराइज हो गया है। नेक्स्ट आपके पेज पर चलते हैं। यहाँ पे पूरा आपका जो रिपेयर पाथवे है, ठीक है, उसको कवर किया गया है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट एंजाइम्स को विद देयर फंक्शन एंड टाइप ऑफ रिपेयर जिसमें वो यूज होते हैं। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चार्ट, ठीक है। सबसे पहला एंजाइम आता है डीएनए फोटोलाइज। डीएनए फोटोलाइज एंजाइम का काम होता है जो साइक्लोब्यूटीन रिंग होती है, बेसिकली जो आपके डाइमर्स होते हैं, जब भी कभी डाइमर फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, उसको आपको ब्रेक करना, उसको अलग करना, उसको सेपरेट करना आपका काम होता है डीएनए फोटोलाइज का, ठीक है। तो ब्रेकेज ऑफ साइक्लोब्यूटीन रिंग ऑफ पिरिमिडिन डाइमर इन डीएनए इज अ फंक्शन ऑफ डीएनए फोटोलाइज। स्पेसिफिक वेवलेंथ पे ये काम करता है। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सी स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है जिस पे ये काम कर रहा होता है डीएनए फोटोलाइज एंजाइम, ठीक है। फोटो रिएक्टिवेशन रिपेयर जो है आपका, है ना, वो आपका टाइप ऑफ रिपेयर है यहाँ पे। यू मोस्ट वेलकम बच्चों, ठीक है। डीएनए ग्लाइको जो साइलेज एंजाइम है आपका, डीएनए ग्लाइकोसाइलेज बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये या ग्लाइकोलाइज बोल सकते हैं, ग्लाइकोसाइलेज या ग्लाइकोलाइज जो भी आए, इट्स ओके। सो ये एंजाइम जो होता है आपका, ये बेस एक्सिजन रिपेयर में काम कर रहा होता है। बेसिकली आपका जो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, ठीक है, मतलब कि ये आपका बैक बोन है डीएनए का और ये आपका बेस जुड़ा हुआ है, तो इस बॉन्ड को काटने का जो काम होता है वो ये एंजाइम कर रहा होता है, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बिटवीन बेस एंड शुगर, वेरी गुड गौरव, ठीक है। बाकी के बच्चे जो बाद में देखेंगे वीडियो को वो कमेंट में आंसर दीजिएगा। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बिटवीन बेस एंड शुगर, इसको ये तोड़ रहा होता है। देन कम्स आपका न्यूक्लियोटाइड एक्सिजन रिपेयर, थर्ड वन, ठीक है, दिस इज फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड वन यहाँ पे आपका आएगा UVR ABC एंडोन्यूक्लिएज, ये पूरा का पूरा, या फिर कई बार इसको एक्साई न्यूक्लिएज भी नाम दिया जाता है, ठीक है, एक्साई न्यूक्लिएज, ओके। तो ये आपका सिनेरियो है। अभी यहाँ पे आपके तीन मेन एंजाइम्स है, UVR A B C एंड D। बेटा मैं जो ये इसके जो सिक्स्थ पार्ट है उसमें देर वॉज अ स्मॉल दिस थिंग चेंज, ठीक है, इसलिए आई नीड टू अपलोड दैट वीडियो अगेन, इसलिए मैंने उसको प्राइवेट कर दिया है फॉर नाउ, जिससे कि गलत मतलब ऐसा ना हो जाए, ठीक है। तो मैं उसको वापस से अपलोड करूँगी, मैं आज ही उसको वापस से अपलोड कर दूँगी, डू नॉट वरी अबाउट दैट, ओके। वहाँ पर मैंने आपके जो कुछ मेन पाथवे से उनको शेयर किया था, मैं उसको वापस से कर दूंगी। तो ए बी सी डी आपके चार एंजाइम्स हो गए। आप देखेंगे यहाँ पे ए मिसमैच रिकग्निशन, बी डीएनए अनबाइंडिंग, सी एंडोन्यूक्लिएज क्लीव्स ऑन आइदर साइड ऑफ डैमेज, ठीक है, एंड डी जो होता है वो हेलिकेज का काम कर रहा होता है। ए है सबसे पहले ये मिसमैच, कहाँ गलती हुई है उसको रिकॉग्नाइज करेगा। बी डीएनए को अनवाइंड करने का काम कर रहा होता है, ठीक है, मतलब बी और सी बेसिकली मैं बोल सकती हूँ आपको दो अलग अलग तरीके से काम कर रहे होते हैं। आपको एक डाउन स्ट्रीम एक अप स्ट्रीम कट करने के जो होते हैं वो काम कर रहे होते हैं, एंडोन्यूक्लियस का काम होता है आपका बी और सी का, ठीक है, एक डाउन स्ट्रीम एक अप स्ट्रीम, और डी जो होता है वो हेलिकेज की तरह फंक्शन कर रहा होता है, ठीक है, ओके। देन कम्स आपका रेक बी सी डी पाथवे। रेक बी सी डी में चार एंजाइम बेसिकली मैं बोलती हूँ, रेक ए अलग होता है एंड देन आपका रेक बी सी डी, ठीक
ठीक है, तो यह आता है आपका डबल स्टैंड ब्रेक रिपेयर में। ओके, रैक ए की अगर मैं बात करती हूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट इसके तीन काम होते हैं। एक होता है स्टैंड को एक्सचेंज करना, ठीक है, एक होता है होमोलॉजी के लिए सर्च करना, ठीक है, होमोलॉजी के लिए सर्च करता है ये, और स्टैंड को इन्वेजन जो होता है इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है इन्वेजन। ठीक है, स्टैंड एक्सचेंज, होमोलॉजी सर्च, स्टैंड इन्वेजन, ये तीन काम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं रेक ए के स्पेसिफिकली। देन कम्स बी सी डी। बी सी डी की अगर मैं बात करती हूँ तो बी और डी दोनों ही आपके, मतलब बी आपका न्यूक्लियस हेलिकेज की तरह काम कर रहा है, डी न्यूक्लियस की तरह काम कर रहा है, बट द पॉइंट इज बी सी जो होते हैं आपके वो मतलब उनके जो फंक्शनिंग है, जो उनकी स्पीड बोल सकती हूँ मैं, उसमें थोड़ा सा चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में मतलब वो इसलिए थोड़ा यहाँ पे हम उसमें चेंजेस जो होते हैं वो देखते हैं। जस्ट गिव मी वन सेकेंड। ओके, देन कम्स आपका म्यूट एस एल एच। ठीक है, ये आपका मिसमैच रिपेयर में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो मिसमैच रिपेयर में अगर हम बात करेंगे एस एल एच की, ठीक है, तो इसके काफ़ी अलग अलग तरीके से काम होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूंगी, जस्ट गिव मी वन सेकेंड। हाँ, यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ जो मैं से मिस हो गई थी वो थी सी का फंक्शन। ठीक है, रेक सी जो होता है वो आपका होता है काई साइट को रिकॉग्निशन का काम होता है। मतलब जैसे ही चलते चलते आपके बी और जो डी हैं वो आपके काई साइट पे पहुँचते हैं, तो सी का काम होता है काई साइट को पहचानना और वहाँ पे रुक जाना, वहाँ पे उसको रोक देना। ठीक है, तो उसको मतलब इस तरीके से ही काम कर रहे होते हैं। बाकी अनवाइंडिंग का काम और न्यूक्लियस एक्टिविटी जो है वो दोनों में से किसी एक में प्रेजेंट होती है। हेलिकेज एक्टिविटी लगभग आपके दोनों के, मतलब डी जो है आपका वह हेलिकेज की तरह भी काम कर रहा है, बी भी आपका हेलिकेज की तरह काम कर रहा है, बी आपका न्यूक्लियस की तरह भी काम करता है। आई थिंक दिस इज नॉट न्यूक्लियस, दिस इज हेलिकेज एंड बी इज हेलिकेज प्लस न्यूक्लियस बोथ। ठीक है, सी वर्क्स एज काई साइट रिकॉग्निशन वाला फैक्टर। ओके, देन आपके आता है जो म्यूट एस एच एल के बारे में मैंने बात किया, तो ये आपको पहचानने का काम करते हैं। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे एक एक करके जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो आती हैं। ओके, एंड देन यहाँ पे आप देखोगे तो एच जो होता है वो एंडो न्यूक्लियस की तरह काम करे, बाकी दोनों के अंदर एटीपेज जो फंक्शन है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। फिर आता है आपका ट्रांसलेशनल डीएनए सिंथेसिस, मतलब जिसको हम एसओएस रिपेयर भी अल्टीमेटली बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज फोर जो होते हैं, फोर एंड फाइव, उनका काम हमको लाइक उनका यूज़ यहाँ पे होता है। ठीक है, जो आपका वाई फैमिली को बोल सकते हो या गामा फैमिली को बिलोंग करते हैं। यूएमयूसी जो होता है आपका एंजाइम यहाँ पे काम कर रहता है। इसके अलावा और कुछ चीज़ें भी यहाँ पे डिन आप बोलोगे, मतलब बेसिकली दीज आर द जीन्स विच आर स्पेसिफिक फॉर दीज एंजाइम्स, इनका काम ये है। ठीक है, तो इस तरीके से इनका फंक्शनिंग हो रही होती है। और आई थिंक इतना इज मोर देन सफिशिएंट फॉर नाउ। बाकी आई थिंक ओके, अगर एक और तुम लोग को छोटी छोटी चीज़ें बतानी हो यहाँ पे, तो ऐसे देख सकते हो कि म्यूट एस जो है आपका स्पेसिफिकली वो रिकॉग्नाइज करने का काम करता है मिसमैच को। ठीक है, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक वन एग्जाम्पल हेयर, क्योंकि मैं बता रही हूँ तो यहाँ पे बता देती हूँ। मान लीजिए ये दो स्ट्रैंड्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए जी प्रेजेंट है और इसकी जगह पे यहाँ प्रेजेंट होना था सी, बट प्रेजेंट हो गया ए। ठीक, तो दिस इज अ मिसमैच, तो गलती है ये। तो गलती को सुधारने के लिए क्या किया जाएगा कि यहाँ पे एक एंजाइम आएगा जिसकी सबसे पहले गलती को पहचानेगा। ठीक है, तो एस जो होता है वो रिकॉग्नाइज करने का काम करता है। ओके, देन कम्स आपका एच, वो क्या करता है, वो हेमी मिथाइलेटेड साइट जो होती है, मतलब कि डॉटर स्ट्रैंड, ठीक है, स्पेसिफिकली उस पर बाइंड करेगा, है ना, और बाद में फाइनली फिर कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं, मतलब वो पूरा का पूरा प्रोसेस है कि किस तरीके से कॉम्प्लेक्सेस मिलके फिर वहाँ तक पहुँचेंगे एंड अकॉर्डिंगली चीज़ें होंगी। ठीक है, इसके अलावा एच जो होता है वो आपका यहाँ पे बाइंड करने के अलावा निक करने का भी काम करता है। एक निक जो वहाँ पे है उसको इनकॉर्पोरेट वहाँ पे करता है, कहाँ पे, डॉटर स्ट्रैंड में। ठीक है, और जो एच सॉरी एल जो होता है आपका, उसका एक काम होता है कि यू वी आर डी जो होता है विच इज वर्किंग एज अ हेलिकेज, उसको लेके आने का काम होता है। ठीक है, तो ये कुछ स्पेसिफिक फंक्शन है आपके इनके, और इसके अलावा काफ़ी कुछ होता है ऐसे तो देने के लिए, बट आई एम ट्राइंग टू गिव यू एकदम शॉर्ट एंड क्रक्स इंफॉर्मेशन एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, जितना हो सकता है, मतलब बहुत कम कम चीज़ें एकदम शॉर्ट में देने की कोशिश करें, इसलिए इतना ही आपके लिए है।
बाकी इस पाथवे में ना छोटा सा करेक्शन था बच्चों, तो वो मैं तुम लोगों को बता दे रही हूँ कि क्या करेक्शन था। ये मैंने कल रात में, ये आपका 7th नंबर के सेशन में था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे तो क्रैंस एनाटॉमी यहाँ पे एबसेंट लिखा था, सॉरी प्रेजेंट लिखा था, उसकी जगह पे यहाँ पे एबसेंट होगा, ये एक छोटा चेंज है। और बाकी ये तो आप सबको पता ही होगा, वहाँ पे वो तो राइटिंग एरर था, बाकी सब ठीक है। ठीक है, तो ये आपका कुछ चीज़ें जो हो गई वो लाइक हम सॉर्ट कर चुके हैं। इसके अलावा जो भी कुछ चीज़ें चाहिए होंगी आप लोग मुझे बता दीजिएगा, विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट अ फ्यू मोर थिंग्स इन द अपकमिंग सेशंस। ऑलराइट, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ये 3 चीज़ें करना बिल्कुल 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 भी नहीं भूलना है आप लोगों को। ठीक है, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, ख्याल रखो अपना। ओके, हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून बच्चों। चलिए जी, तो ये हमारा नेक्स्ट सेशन है, 9th पार्ट है आपका ये, है ना। शुरू करते हैं। इसमें हम वापस से काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो देखेंगे, और थोड़ा सा लंबा होने वाला है ये वाला पार्ट आपका। और जिन्होंने भी पुराने जो वीडियोस हैं उनको नहीं देखा है, ज़रूर से जाके देख लो। अच्छा, ये जो 9th पार्ट है आपका, इसमें जो 6th पार्ट में मैंने अपलोड की थी चीज़ें, उसको मैंने इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, तो मैं 6th पार्ट, 6th नंबर का पार्ट जो है वो उसको आप इसमें बेसिकली इंक्लूडेड समझिएगा। सो दिस इज़ बेसिकली 2 वीडियोज़ टुगेदर, 6th एंड 9th टुगेदर। ठीक है, मैं टॉपिक में हेडिंग में भी लिख दूंगी, जैसे कि कन्फ्यूजन आ रहा है किसी भी प्रकार का। चलिए जी, तो शुरू करते हैं। ओके, बाकी शुरू करने से पहले जैसा कि हमेशा आपको बोलती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जितने प्रेजेंट हो सबके सब लाइक कर दिया करो वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब 3 चीज़ ज़रूर करना है आपको। ठीक है, सब तक पहुँचाना है वीडियोज़, अपने अपने पास रख के नहीं बैठना है। और टेलीग्राम पे ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं करेंगे तो अपडेट्स नहीं मिलेंगी कि कब मैं लाइव आ रही हूँ, क्या है, और बहुत सारे फ्री क्लास फ्री सेशंस के बारे में भी, बहुत सारी बुक्स के पीडीएफ्स, नोट्स के पीडीएफ्स नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, बाकी इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, आईडी सब ये सब सामने है तुम्हारे। चलो, हेलो 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 बच्चों, हेलो, चलो शुरू करते हैं। तो दिस इज़ फर्स्ट आपका चार्ट। इसमें बेसिकली आपको जो नंबर ऑफ एटीपी वगैरह के बारे में बात हो रही है, किस तरीके से एनर्जी का क्या सिनेरियो रहता है उसके बारे में बात हो रही है, उसको देख लेते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस में अगर मैं बात करती हूँ, तो जो ग्लूकोज से पाइरूवेट का कन्वर्जन है, वहाँ पे 2 ATP यूटिलाइज हो रहे हैं, 4 जनरेट हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ NADH जनरेटेड इज 2। ठीक है, तो नेट ATP जनरेट हुआ वो आपका कितना हो गया, 7 हो गया। पाइरूवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम में टोटल आपका जो, मतलब अगर मैं बात करूँ तो 2 जनरेट हो रहे हैं, तो नेट ATP जो जनरेट हुआ वो कितना हो गया, वो हो गया आपका 5। ठीक है, मतलब टोटल जो NADH जनरेट हो रहा है वो 2 हो रहे हैं यहाँ पे, तो नेट ATP जनरेट हो गया आपका यहाँ पे 5। उसके बाद में अगर आप देखेंगे यहाँ पे सिनेरियो, जो सिट्रिक एसिड साइकिल है वहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ GTP जनरेटेड इज 2। ठीक है, एंड देन नंबर ऑफ FADH2 जनरेटेड इज 2, एंड नंबर ऑफ NADH जनरेटेड इज 6। तो टोटल आप जब करेंगे इसको तो आपको मिल जाएगा नंबर 20। अगर मैं नेट ATP जनरेटेड ऑन एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल की बात करती हूँ, तो वो नंबर हो जाएगा आपका 32। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको पाथवेज बताए गए हैं, ठीक है, उनको रेगुलेटरी एंजाइम्स, ओके, देन एक्टिवेटर्स ऑफ रेगुलेटरी एंजाइम, उनको एक्टिवेट कौन कौन करता है, और इनहिबिटर कौन कौन होते हैं आपको वो बताए गए हैं। ठीक है जी, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड गाइज। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हेक्सोकाइनेज के सिनेरियो में एक्टिवेटर, मतलब जो इनहिबिटर है आपका, वो होता है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। ठीक है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज इज नेक्स्ट रेगुलेटरी एंजाइम, यहाँ पे एक्टिवेटर जो है आपका वो ADP, AMP, CAMP, FBP, F26-फॉस्फेट है, एंड इनहिबिटर जो है ATP, सिट्रेट PEP है। ठीक है, पाइरूवेट काइनेज नेक्स्ट एंजाइम, यहाँ पे AMP, FBP, PEP जो होते हैं आपकी एक्टिवेटर की तरह काम करते हैं, और इनहिबिटर होता है आपका ATP। देन आपका आया पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है, PDH कॉम्प्लेक्स, PDH कैल्शियम इसके एक्टिवेटर की तरह काम करता है, और NADH एसिटाइल कोएंजाइम में आर्सेनाइट मर्क्यूरिक आयंस आपके इनहिबिटर की तरह काम करते हैं। सिट्रिक एसिड साइकिल की अगर मैं बात करती हूँ, सिट्रेट सिंथेस, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज, ये 3 एंजाइम हो गए इसके एक्टिवेटर। सिट्रेट सिंथेस का एक्टिवेटर इज एसिटाइल कोएंजाइम में ऑक्सलो एसिटेट, इनहिबिटर सिट्रेट ATP NADH, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज का एक्टिवेटर हो गया ADP कैल्शियम, इनहिबिटर हो गया NADH, अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज का एक्टिवेटर हो गया कैल्शियम, इनहिबिटर हो गया NADH सक्सिनाइल कोएंजाइम A। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारे डिजीजेस के बारे में हम बात करने वाले हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डिजीज हैं, उनके क्या क्या कॉजल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और अफेक्टेड प्लांट के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है,
तो स्टेम रस्ट ऑफ क्रूसीफर पक्सीनिया जो होता है इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है, और जो अफेक्टेड प्लांट होता है वो होता है गेहूं का पौधा, स्टेम रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स. ओके, वॉर्ट डिजीज जो होती है आपकी, इसे सिंकाइट्रियम एंडोबायोटिकम करता है, और पोटेटो जो आपका आलू है उसमें ये वॉर्ट डिजीज जो है आपकी वो लग होती है. टिक्का डिजीज जो है आपकी वो ग्राउंड नट जो मूंगफली होती है आपकी उसमें बेसिकली टिक्का डिजीज होती है, सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा की मदद से. ठीक है, कॉजल ऑर्गेनिज्म है. डाउनी मिल्ड्यू प्लाज्मोपोरा होता है, ग्रेप्स अंगूरों में होती है डाउनी मिल्ड्यू. ठीक है, ब्लैक रॉट एप्पल में होती है ना. बोट्रायोस्फेरा जो होता है वो करवाता है आपका एप्पल में ब्लैक रॉट. ठीक है, लूज स्मट जो होता है ये आपका करवाता है कॉर्न में होता है ये मेज कॉर्न. ठीक है, ओस्टिलागो आपका करवाता है लूज स्मट कॉज. पनामा विल्ट जो होता है वो बनाना में होता है, नाम काफ़ी काफ़ी एक सिमिलर साउंडिंग नेम है ना. फ्यूजेरियम जो होता है वो आपका करवाता है पनामा विल्ट. आगे बढ़ते हैं, पाउडरी मिल्ड्यू कहाँ पे होता है, टमाटर में होता है, टोमेटो में. एरिसिफी करवाता है. ठीक है, वाइट रस्ट मस्टर्ड सरसों में होता है, एल्बियोगो कैंडिडा करवाता है. डाउनी मिल्ड्यू के बारे में यदि मैं बात करती हूँ तो कॉर्न जिया मेज में होता है. ठीक है, पेरोनोस्क्लेरोस्पोरा ये करवाता है. ठीक है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द टंग ट्विस्टर्स, माय गॉड. लेट ब्लाइट आपका पोटेटो में होता है. ठीक है, आलू, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, ये सारे वो नाम हैं जो आपसे कहीं ना कहीं कभी ना कभी ज़रूर पूछे गए हैं और पूछे जाते ही जाते हैं. ठीक है, ओके, मोस्ट वेलकम बच्चों. वॉट डिजीज, सिंकाइट्रियम एंडोबायोटिकम पोटेटो. ठीक है, अर्ली ब्लाइट ऑल्टरनेरिया सोलेनाई पोटेटो. क्राउन गॉल ग्रेप्स अंगूर में हो रहा है, एग्रोबैक्टीरियम. ठीक है, फिर ब्लैक रॉट शुगर केन सेरेटोसिस्टिस. ठीक है, स्टेम रॉट आपका जूट में हो रहा है, मैक्रोफोमिया फोमिना. ठीक है, फॉल्स स्मट राइस में हो रहा है, चावल में. ओस्टिलागो नोइडिया नोएडा से याद कर लेना, फॉल्स स्मट राइस पता नहीं जैसे याद करना हो कर लेना, अप टू यू कम्प्लीटली, है ना. एंड देन यू आर मोस्ट वेलकम बच्चों. फायर ब्लाइट के बारे में बात करती हूँ तो एप्पल वापस से, है ना, एर्विनिया. रिंग रॉट पोटेटो में हो रहा है, कॉर्निबैक्टीरियम. पाउडरी मिल्ड्यू बार्ले. ठीक है, एंड ब्लूमेरिया. ब्लास्ट डिजीज आपका राइस में हो रहा है, मैग्ने पोर्थी. ठीक है, तो ये रहा आपका सिनेरियो, ये रहे आपके डिजीज का चार्ट, और इसमें हमने इस कुछ बात बारे कुछ चीज़ों के बारे में बात की. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे कुछ और मज़ेदार चीज़ों को लेके. पढ़ते रहो, खूब मज़े से पढ़ते रहो. जिन्होंने अभी पुरानी वीडियोस जो है वो नहीं देखी है वो जाके देखो सारी की सारी सीरीज. ठीक है, दिस इज बेसिकली सिक्स्थ एंड नाइन्थ टुगेदर, ये दो मिला के आपका दे दिया है मैंने वीडियो. इसके अलावा जो आपका बचा रह जाएगा वो हम अच्छा, कोई बच्चा मुझसे पूछ रहा था और कितने आने वाली हैं, मैं कम से कम 10 वीडियो और ऐसे प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी आपको आपके एग्जाम के पहले. ठीक है, सो दैट इज माई पार्ट, ये मैं कर सकती, देखो मेरी तरफ से मैं जितना कर सकती हूँ उतना करने की कोशिश कर रही हूँ. अब उसके बावजूद तुम यदि नहीं पढ़ो तो इसमें किसकी गलती है, तो मैं कुछ नहीं कर सकती. पढ़ना तो मैं कंटेंट प्रोवाइड करवा सकती हूँ आपको बेस्ट पॉसिबल. ठीक है, तो वो आप अपने तरफ रखिए. बाकी हाँ, ये है कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये तीन चीज़ करना. चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है. अपने दोस्तों को पहुँचाओ, उनको बताओ, अपने तक संभाल के मत रखो. ठीक है, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ज़रूर से कीजिए. ओके, इतना मुझे, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग कर सकते हैं मेरे लिए यदि मैं इतना कर रही हूँ तो. एंटीबायोटिक्स मैं ज़रूर कोशिश करूँगी एंटीबायोटिक्स को अगले वीडियो में इंक्लूड करने की. ठीक है, टेक केयर बच्चों, ख्याल रखो अपना, मिलते हैं अगले वीडियो में. ओके चलो, और टेलीग्राम सबके सब ज्वाइन कर लो ज़रूर से. ठीक है, और बाकी के इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे बहुत सारी फ्री क्लासेस चल रही हैं. आज दोपहर ही बायोकेमिस्ट्री का आपका मेगा टेस्ट था. ठीक है चलो, बाकी रोज़ रात 11 बजे तो मेरी क्लास होती है, फ्री क्लास अनअकैडमी पे. उसके लिए टेलीग्राम पे जुड़ जाओ यार, टेलीग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ नहीं जुड़ोगे तो बहुत कुछ मिस ऑलरेडी कर रहे हो तुम. चलो टेक केयर, बाय बाय. श्योर, आई चेक. So this is our 10th part in this series and let's start. और शुरू करने के पहले बस दो तीन छोटी छोटी बातें. वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये तीन चीज़ें ज़रूर से करते रहिए. आई मीन वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए. ज़रूर मतलब ज़रूर. ठीक है, ये करना ही करना है. और टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए मतलब ग्रुप्स में. ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी सारे आपसे आप जैसे बच्चे हैं, जैसे कि जब भी मैं कोई नोट्स, बुक्स, स्क्रीनशॉट्स, पीडीएफ्स, लिंक्स, फ्री क्लासेस कुछ भी हो उनके बारे में आपको तुरंत पता चल जाए. ठीक है, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं. तो शुरू करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं इस चार्ट में अबाउट डिजीजेस.
एक्यूमुलेटिंग स्फिंगोलिपिड्स एंड द एंजाइम जिसका डेफिशिएंसी के कारण ये हो रहा है. ठीक है, तो द फर्स्ट पॉइंटर यहाँ पर जो आता है दैट इज टे सेक्स डिजीज, है ना. एक्यूमुलेटिंग स्फिंगोलिपिड जो होता है वो होता है गैंग्लियोसाइड GM2 एंड द एंजाइम डेफिशिएंसी जिसके कारण ये हो रहा है दैट इज बीटा हेक्सोसामिनिडेज ए. ठीक है, देन देयर इज गॉचर्स डिजीज. एक्यूमुलेटिंग स्फिंगोलिपिड इज ग्लूकोसेरेब्रोसाइड, एंजाइम डेफिशिएंसी इज बीटा ग्लूकोसाइडेज. देन देयर इज नीमेन पिक. एक्यूमुलेटिंग स्फिंगोलिपिड होता है स्फिंगोमाइलिन, स्फिंगोमाइलिनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी के कारण. फेब्रीज डिजीज, ट्राईहेक्सो सेरामाइड, ठीक है, एल्फा गैलेक्टोसाइडेज ए के कारण. देन आता है क्रैब्स डिजीज, इसमें बात करूंगी तो डी एसाइलेटेड गैलेक्टोसेरेब्रोसाइड आपका जो एक्यूमुलेटिंग स्फिंगोलिपिड है एंड गैलेक्टोसेरेब्रोसाइडेज आपका एंजाइम की डिफिशियंसी. फिर बात करते हैं एल्केलॉइड्स, उनके सोर्सेज एंड मेडिसिनली उनका किस तरीके से यूज होता है. ठीक है, तो एट्रोपीन सोर्स इज एट्रोपा बेलेडोना, मेडिसिनली यूज एज एंटी कोलिनर्जिक. मॉर्फीन, बहुत बार यहाँ से सवाल आते हैं स्लाइड से, मेनी क्वेश्चन हैव केम, ठीक है, इन प्रीवियस ईयर्स. मॉर्फीन पेपेवर सोमनीफेरम, नार्कोटिक एनर्जेसिक की तरह इसको इस्तेमाल किया जाता है. कोडीन पेपेवर सोमनीफेरम वापस से नार्कोटिक एनर्जेसिक. विनब्लास्टिन कैथेरेंथस रोजियस एंटी कैंसर की तरह. कैफीन कॉफी अरेबिका कोला नेटिडा, ठीक है, देन स्टिमुलेंट की तरह इसको इस्तेमाल किया जाता है. निकोटीन निकोटियाना टोबैकम रेस्पिरेटरी पैरालिसिस. तो ये आपके हो गए कुछ एल्केलॉइड्स के बारे में बात. ठीक है, इसमें आपको एंजाइम्स जितने भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जितने भी एंजाइम्स का इस्तेमाल होता है उन सभी के बारे में आपको इस इकलौते चार्ट में दे दिया गया है, सभी सब के बारे में एक साथ. एल्केलाइन फॉस्फेटेज 5' फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करता है डीएनए मॉलिक्यूल से. बैक्टीरियल एल्केलाइन फॉस्फेटेज जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है लेकिन लेस एक्टिव देन काफ इंटेस्टाइनल एल्केलाइन फॉस्फेटेज के कंपैरिजन में. डीएनए इज वन ई डबल स्टैंडर्ड डीएनए को डिग्रेड करता है बाय हाइड्रोलाइजिंग इंटरनल फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज को. ईकोलाई एक्सो न्यूक्लियस 3 ये क्या करता है, ये सीक्वेंशली न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करता है 3' ओएच एंड्स से, है ना, ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स एक्सेप्ट फ्रॉम प्रोट्रूडिंग 3' ओएच टर्मिनल. मतलब कि आपके जो ब्लंट एंड है ये वहाँ से कर पाएगा, जो प्रोट्रूडिंग एंड होते हैं उनसे ये नहीं कर पाएगा रिमूव, है ना. क्लेनोफ्रेगमेंट ये आपका प्रोटियोलिटिक प्रोडक्ट होता है ईकोलाई डीएनए पॉलीमरेज 1 का, है ना. आपको पता होगा कि बड़ा जो फ्रेगमेंट होता है या जो बड़ा आपका जो ये है क्या बोल सकती हूँ उसको, दो पार्ट्स में डिवाइड होता है. बड़ा पार्ट इज क्लेनोफ्रेगमेंट, ठीक है, जिसके अंदर दो एक्टिविटीज होती हैं 5-3 पॉलीमरेज एंड 3-5 एक्सोन्यूक्लियस, मतलब प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी. लेकिन 5-3 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी इसमें नहीं होती है बिकॉज फ्रैक्शनेशन ऑफ द डाइजेशन प्रोडक्ट रिमूव द फ्रेगमेंट विद द 5-3 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी. क्लेनोफ्रेगमेंट विद ओनली डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी ड्यू टू अ म्यूटेशन इन द 3-5 एक्सोन्यूक्लियस सीक्वेंस इज ऑल्सो अवेलेबल, ठीक है. फिर आता है आपका मोंगबेड न्यूक्लियस, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए एंड आरएनए एंडोन्यूक्लियस होता है ये. ये बेसिकली आप बोल सकते हो कि जब कम कॉन्सेंट्रेशन में इस्तेमाल किया जाता है तो सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड जो आपका डीएनए है, ठीक है, आरएनए उसको कट करता है, और जब आपका ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में यूज़ किया जाता है तो डबल स्ट्रैंड सिनेरियोज में भी हाइब्रिड्स को भी ये कट करता है मोंगबेड न्यूक्लियस. फिर आता है न्यूक्लियस बैल 31, डिग्रेड्स बोथ 3 and 5' एंड ऑफ डीएनए विदाउट इंटरनल क्लीवेज, ठीक है, एंड को क्लीव करा है, इंटरनल क्लीवेज नहीं करा. पॉली ए पॉलीमरेज ये ऐड करेगा एएमपी फ्रॉम एटीपी टू द 3' एंड ऑफ द एमआरएनए, आप जानते होंगे, ठीक है, पीएपी के नाम से आपने सुना भी होगा कई बार इसके बारे में. फिर आता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है, यहाँ पे आ जाता है आपका रेट्रोवायरल आरएनए डायरेक्टेड डीएनए पॉलीमरेज. फिर आता है आरएनएज एच डिग्रेड्स द आरएनए स्ट्रैंड, मतलब जो राइबो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनके बीच के इस बॉन्ड को ये तोड़ देता है बेसिकली. फिर S1 न्यूक्लियस डिग्रेड कर रहा है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को. देन T4 पॉली न्यूक्लियोटाइड काइनेस कैटेलाइज द ट्रांसफर ऑफ द टर्मिनल फॉस्फेट फ्रॉम अ न्यूक्लियोसाइड 5' ट्राइफॉस्फेट टू अ 5' हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ अ पॉली न्यूक्लियोटाइड. मतलब कि बेसिकली फॉस्फेट को ये ऐड करेगा, गामा फॉस्फेट को ये ऐड करता है. T4 डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज एंड 3-5 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी. T7 डीएनए पॉलीमरेज, वापस से सेम तरीके की आपकी सिनेरियो आपको देखने मिलेगा. टेक डीएनए पॉलीमरेज, हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज फ्रॉम थर्मस एक्वेटिकस, ठीक है,
और इसके अंदर प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होती है। 3 to 5 जो एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी है वो एबसेंट होती है, किसमें? टेक डीएनए पॉलीमेरेज में। देन बीटा एगेरेज 1, ये डाइजेस्ट करता है एगेरोज को और यूज किया जाता है रिट्रीव करने में सेपरेटेड डीएनए मॉलिक्यूल्स को फ्रॉम एगेरोज जेल। ठीक है, ये हो गया। फिर आते हैं जितने भी इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ आरएनए मिलते हैं आपको प्रोड्यूस्ड इन सेल्स, एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट चार्ट अगेन। ठीक है, तो एमआरएनए मैसेंजर आरएनए कोड करता है प्रोटीन के लिए। उसके बाद है आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, फॉर्म द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द राइबोसोम एंड कैटेलाइज करता है ये प्रोटीन के सिंथेसिस को। ठीक है, फिर आता है टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए होता है, ये सेंट्रल होता है प्रोटीन सिंथेसिस में, अडैप्टर की तरह काम करता है एमआरएनए और अमाइनो एसिड के बीच में। फिर आता है एसएनआरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, ये बहुत सारे न्यूक्लियर प्रोसेसेस में मदद करता है, इंक्लूडिंग स्प्लाइसिंग ऑफ प्री एमआरएनए, जो आपका स्प्लाइसिंग का प्रोसेस होता है इंट्रॉन स्प्लाइसिंग, इंट्रॉन्स का रिमूवल, उसमें मदद करता है। SNORNA, स्मॉल न्यूक्लियोलर RNA, ये आपका प्रोसेस करता है, केमिकली मॉडिफाई करता है RNA को। ठीक है, राइबोसोमल RNA को। MIRNA, MIRNA जो होता है माइक्रो RNA, ये रेगुलेट करता है जीन एक्सप्रेशन को बाय ब्लॉकिंग ट्रांसलेशन ऑफ स्पेसिफिक mRNA एंड कॉज देयर डिग्रेडेशन। SIRNA, स्मॉल इंटरफेयरिंग RNA, ये जीन एक्सप्रेशन को ऑफ कर देता है, कैसे? बाय डायरेक्टिंग द डिग्रेडेशन ऑफ सेलेक्टिव mRNA एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉम्पैक्ट क्रोमेटिन स्ट्रक्चर। PIRNA, ये पीवी इंटरैक्टिंग आरएनए होते हैं, ये पीवी प्रोटीन से बाइंड करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं जर्म लाइन को ट्रांसपोजेबल एलिमेंट से। फिर आता है आपका लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनएस, एलएनसी आरएनएस। ठीक है, ये बेसिकली क्या होते हैं, ये स्कैफोल्ड की तरह काम करते हैं, इनमें से बहुत सारे अलग अलग प्रकार की सेल के प्रोसेसेस को रेगुलेट कर रहे होते हैं, इंक्लूडिंग एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन। तो ये रही आपकी कुछ इंपॉर्टेंट चार्ट्स इस 10th पार्ट में। अभी तक मैंने आपको 10 पार्ट दे दिए हैं, 10 के 10 आप सुन लीजिए, पढ़ लीजिए, कम से कम 2 से 3 से 4 बार कम से कम उनका रिविजन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, जैसे मर्जी, चाहे यूट्यूब वीडियो देखो चाहे स्क्रीनशॉट लो, जैसे भी अपने दोस्तों तक पहुंचाओ। ठीक है, शेयर करो, लाइक करो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, इतना तुम कर सकते हो। मतलब यदि कोई इस समय तक जाग के तुम्हारे लिए मेहनत करे तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि इतना तो तुम कर सकते हो कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब, 3 काम जरूर से करके जाना। ठीक है, टेक केयर एवरीवन, मेहनत से पढ़ाई करो, अभी मेहनत करोगे तो आगे सुकून से जीवन बिता पाओगे। टेक केयर, और तुम्हारे थैंक यू के लिए बहुत सारा वेलकम, और ख्याल रखो अपना। चलो, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। ओके, हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून गाइस। सो दिस इज़ अवर 11th सेशन ऑफ शॉर्ट शॉर्ट मार्क्स सीरीज। ओके, दिस सीरीज इज़ बेनिफिशियल फॉर ऑल द लाइफ साइंसेज एग्जाम्स एंड नॉट ओनली फॉर गेट और CSIR नेट, लाइक ऑल एग्जाम्स, बी इट CSIR नेट, गेट, DBT, ICMR, एनी PhD एंट्रेंस एग्जाम, एनी मास्टर्स एंट्रेंस एग्जाम, एवरी एग्जाम पॉसिबल। ओके, बाकी आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो मुझे। ठीक है, वीडियो शुरू करने के पहले सिंपल से स्टेप्स, सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए, बिकॉज दिस इज़ व्हाट मतलब ज़रूरी है, जो कि बहुत ज़्यादा, अगर आप चाहते हो कि जितने भी नए वीडियोस अपलोड करूँगी वो सबके बारे में आपको पता चल जाए। दूसरी बात, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है इस सीरीज़ की। ठीक है, तो जिन्होंने भी नहीं देखा है उस प्लेलिस्ट को पूरा एक बार में ख़त्म कर दो, मतलब और कम से कम 2 से 3 बार मिनिमम देख कर जाना है इस प्लेलिस्ट को, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, अकॉर्डिंगली काम करो। ठीक है, हेलो 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 सब लोगों को। उसके अलावा लाइक और शेयर, ये 2 काम आपको ज़रूर से करना है। ठीक है, अगर आप थोड़ा भी प्यार करते हैं और अगर आप चाहते हैं कि मैं यूं ही कंटिन्यू करती रहूँ अच्छा वर्क, अच्छा काम करना आप लोगों के लिए फॉर फ्री, ठीक है, तो ज़रूर से इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, 3 चीज़ें आप वीडियो को करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। बाकी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है, आप मेरे नाम से भी सर्च कर सकते हो, दीपशिखा गोस्वामी। इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर लीजिए और अकॉर्डिंगली करते हैं। चलिए जी, तो सबसे पहला जो आज का आपका चार्ट है, इसमें हम बात कर रहे हैं कुछ आपके DNA रिपेयर, सम इनहेरिटेड ह्यूमन सिंड्रोम्स विद डिफेक्ट्स इन DNA रिपेयर। ठीक है, तो किस तरीके के सिंड्रोम है और किस तरीके के डिफेक्ट जो होते हैं उनके साथ वो इनहेरिट हो रहे हैं, है ना। नाम अगर आप देखोगे MSH236, MLH1, PMS2, फिनोटाइप कोलॉन कैंसर, एंजाइम और प्रोसेस अफेक्टेड, मिसमैच रिपेयर। ठीक है, अगर न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर जो है वो अफेक्टेड होता है आपका, तो जेरोडर्मा पिगमेंट कई बार पूछे गए हैं और यहाँ से सवाल अगैन है ना, जेरोडर्मा पिगमेंटोसम ये होता है, स्किन कैंसर, यूवी सेंसिटिविटी, न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज, ये फिनोटाइप है। देन कपलिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर टू ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका कोकाइने सिंड्रोम, यूवी सेंसिटिव, यूवी रे के लिए काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटीज हो जाती हैं,
ठीक है। उसके अलावा ट्रांसलेशनल सिंथेसिस बाय डीएनए पॉलीमरेज 5 जो आप देखते हो एसओएस, ठीक है। एक्सपी वेरिएंट, जेरोडर्मा पिगमेंटोसम का वेरिएंट होता है ये। यूवी सेंसिटिविटी, स्किन कैंसर। देन एटीएम प्रोटीन, अ प्रोटीन काइनेज एक्टिवेटेड बाय डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक्स। यहाँ पे होता है आपका एटेक्सिया टेलन जेस्टेसिया, ठीक है। एटी ल्यूकीमिया, लेम्फोमा, गामा रे सेंसिटिविटी, जीनोम इनस्टेबिलिटी। देन रिपेयर बाय होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन, अगर हम बात करें मतलब अगर वो अफेक्ट हुआ है तो आपका BRCA1 ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर। देन वापस से यही BRCA2 जो होगा उसमें भी सेम तरीके की चीज़ है, वहाँ पे प्रोस्टेट कैंसर भी आपका आ जाता है। अगेन कई बार आते हैं कि कौन सी जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर विच कैंसर, विच टाइप ऑफ कैंसर, इसके यहाँ से सवाल आया है, यहाँ से आया है, यहाँ से आया है, यहाँ से आया है, ठीक है, यहाँ से आया है। ओके, देन एक्सेसरी 3' एक्सोन्यूक्लियस एंड डीएनए हेलिकेज यूज्ड इन रिपेयर। वर्नर सिंड्रोम, प्री मेच्योर एजिंग, कैंसर एट सेवरल साइट्स, जीनोम इनस्टेबिलिटी। देन डीएनए हेलिकेज नीडेड फॉर रिकॉम्बिनेशन, ब्लूम सिंड्रोम, कैंसर एट सेवरल साइट्स, स्टंटेड ग्रोथ, जीनोम इनस्टेबिलिटी। फिर आता है डीएनए इंटर स्ट्रैंड क्रॉस लिंक रिपेयर, फेंकोनी एनीमिया ग्रुप एजी, कॉन्जेनेटल एबनॉर्मेलिटी होती है, ल्यूकीमिया, जीनोम इनस्टेबिलिटी, ये सब आपके फिनोटाइप हैं। फिनोटाइप का मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमको देखने मिल रहे हैं, जो शो हो रहे हैं, एक्सप्रेस हो रही है जिस तरीके से चीज़ें। डीएनए लाइगेज 1 में प्रॉब्लम है तो 46Br पेशेंट हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है जितने भी डीएनए डैमेजिंग एजेंट है उन सभी के लिए। मतलब ऑब्वियस ही बात है कि अगर जैसे ही डीएनए डैमेज हुआ, लाइगेज यदि प्रेजेंट होगा, यदि ठीक होगा तो उसको ठीक कर देगा, लेकिन अगर वो एबसेंट है तो जैसे ही आपका डैमेज होगा, वो डैमेज के कारण आपको अल्टीमेट प्रॉब्लम जो वहाँ पे देखने मिल सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट चार्ट की तरफ चलते हैं, अगेन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चार्ट, ठीक है, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हमारा जी, यहाँ पे वायरसेस एसोसिएटेड विद ह्यूमन कैंसर के बारे में अगर मैं बात करती हूँ तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो वायरसेस की कैटेगरी है, बिकॉज पूछते ऐसे ही हैं कौन सा डीएनए वायरस है, कौन सा आरएनए वायरस है, तो डीएनए वायरस है या आरएनए वायरस है, ठीक है। एसोसिएटेड कैंसर बताया गया है, इसकी हमको ज़रूरत नहीं है एरियाज ऑफ हाई इंसिडेंस की। सो पेपो व वायरस फैमिली सबसे पहले बात करते हैं, पेपिलोमा वायरस, ठीक है, वॉट्स बेनाइन, कार्सिनोमा ऑफ यूट्राइन सर्विक्स, ये दो चीज़ें आपको देखने मिलेंगी, ठीक है। डीएनए वायरस हेपा डीएनए वायरस, हेपा डीएनए वायरस फैमिली जो है हेपेटाइटिस बी वायरस, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो लिवर कैंसर, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा आपको देखने मिलता है, ठीक है। ओके, देन हर्पीज वायरस फैमिली, हर्पीज वायरस फैमिली एप्स्टीन बार वायरस, ओके, एप्स्टीन बार वायरस। बर्किट्स लिम्फोमा, कैंसर ऑफ बी लिम्फोसाइट्स, नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा। देन ह्यूमन हर्पीज वायरस 8, कापोसीज सार्कोमा। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चार्ट फॉर ऑल द लाइफ साइंसेज एग्जाम्स, ऑल राइट। देन आरएनए वायरस, रेट्रोवायरस फैमिली, ह्यूमन टी से ल्यूकीमिया वायरस टाइप 1 HTLV-1, ये आपके आरएनए वायरस फैमिली है। यहाँ होता है अडल्ट टी से ल्यूकीमिया लिम्फोमा। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, कापोसीज सार्कोमा वाया ह्यूमन हर्पीज वायरस 8, ओके। देन आपका आ जाता है फ्लेवी वायरस फैमिली, हेपेटाइटिस सी वायरस, लिवर कैंसर, अगेन हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। तो ये हुआ आपका इसके बारे में बात। नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट उस पर चलते हैं जहाँ पे हमको जो प्रोटीन या आरएनए सिंथेसिस है, ठीक है, उसके इनहिबिटर्स के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से इसके इनहिबिटर्स जो है वो काम कर रहे हैं, ठीक है। एक्टिंग मतलब इनहिबिटर स्पेसिफिक इफेक्ट क्या है, तो सबसे पहले जो आपके सिर्फ बैक्टीरिया पे काम करने वाले हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, फिर बैक्टीरिया और यूकैरियोट्स पे काम करने वालों पे पढ़ेंगे, एंड देन यूकैरियोट्स पे सिर्फ काम करने वालों पे पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं। टेट्रासाइक्लिन, ये क्या करता है कि ये जो अमीनो एसाइल टीआरएनए है उसको ए साइट पे बाइंड नहीं करने देता, अमीनो एसाइल टीआरएनए को ए साइट पे बाइंड करने नहीं देता, कौन, टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये क्या करता है, ये ट्रांजिशन को रोकता है फ्रॉम ट्रांसलेशन इनिशिएशन टू चेन इलोंगेशन एंड ऑल्सो कॉजेज मिसकोडिंग, मतलब कि इनिशिएशन से इलोंगेशन की तरफ उसको जाने नहीं देता और मिसकोडिंग करवाता है, मतलब गलत जो आपका कोड के हिसाब से आपका जो अमीनो एसिड आना है अकॉर्डिंगली रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। फिर आ रहा है आपका क्लोरामफेनिकॉल, ये क्या करता है, ये पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज की रिएक्शन को ब्लॉक कर देता है ऑन राइबोसोम, ठीक। देन एरिथ्रोमाइसिन, ये क्या करता है, ये एग्जिट चैनल जो है राइबोसोम में उससे बाइंड कर जाएगा
और ऑब्वियस ही बात है कि अगर एग्जिट चैनल से बाइंड कर जाएगा तो जो इलोंगेशन है पेप्टाइड चेन का उसको ये रोक देगा, उसको ये रोक देगा। ओके, फिर आता है रिफामाइसिन। रिफामाइसिन क्या करता है, जो आरएनए चेन का इनिशिएशन है ये उसी को ब्लॉक कर देता है। कैसे, ये आरएनए पॉलीमरेज के साथ में बाइंड कर जाता है। ठीक है, तो आरएनए के सिंथेसिस बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन जो है उसको ये रोक रहा है, उसके इनिशिएशन को। फिर जो बैक्टीरिया और यूकैरियोट्स दोनों को अफेक्ट कर रहे हैं प्यूरोमाइसिन, ये क्या करता है, ये जो नेसेंट पॉलीपेप्टाइड जो अभी नए अभी प्रोटीन जस्ट बनी है, ठीक है ना, उसको प्रीमेच्योर रिलीज करवा देता है उसका बाय इट्स एडिशन टू द ग्रोइंग चेन एंड। तो ग्रोइंग चेन जो एंड है उसके, ये आपका क्वेश्चन यहाँ इसमें मतलब कितने बार किस किस तरीके से घुमा के क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। आपसे ये भी पूछा गया है कि जो प्योरोमाइसिन है, ठीक है, वो आप पूछा गया है कि किसका एनालॉग होता है, विच कौन सा टीडीएनए है उसका एनालॉग, ये उसके तरीके से प्रेजेंट होता है। तो आप मुझे इसको आंसर बता सकते हो कॉमेंट सेक्शन में वीडियो देखने के बाद में। ठीक है, प्यूरोमाइसिन ये क्या करता है, ये प्रीमेच्योर रिलीज करवाता है नेसेंट पॉलीपेप्टाइड चेन का बाय इट्स एडिशन टू द ग्रोइंग चेन एंड। देन कम्स एंड एक्टिनोमाइसिन डी। एक्टिनोमाइसिन डी क्या करता है, ये डीएनए से बाइंड कर जाएगा। ठीक है, डीएनए से बाइंड करके ये क्या करेगा, जो मूवमेंट है आरएनए पॉलीमरेज का उसको ब्लॉक कर देगा। ठीक है, और इस तरीके से ये आरएनए के सिंथेसिस ट्रांसक्रिप्शन को ये रोक देता है। फिर आते हैं यूकैरियोट्स में काम करने वाले साइक्लोहेक्सिमाइड। साइक्लोहेक्सिमाइड क्या करता है, ये ट्रांसलोकेशन को रोकता है, मतलब मूवमेंट, नेक्स्ट पे जो मूवमेंट है राइबोसोम जिस तरीके से चल रहा है आपका, है ना, वहाँ पे मतलब वो जो ट्रांसलोकेशन का आपका रिएक्शन है उसको ये ब्लॉक करता है साइक्लोहेक्सिमाइड। ठीक है, एनिसोमाइसिन क्या करता है, पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज रिएक्शन को ब्लॉक कर देता है ऑन राइबोसोम। अल्फा एमिनेटिन ये एमआरएनए की सिंथेसिस ट्रांसक्रिप्शन को रोक देता है। कैसे, प्रेफरेंशियली ये आरएनए पॉलीमरेज 2 से जाके बाइंड कर जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मतलब सिनेरियो एंटीबायोटिक्स का। हमने आज तीन चार्ट देखे इस वाले सेशन में, इनहिबिटर्स, ठीक है, सॉरी इनहिबिटर्स देखे, देन हमने वायरसेस और उनके कॉमन कैंसर्स देखे, एंड देन हमने देखा आपका सम इनहेरिटेड ह्यूमन सिंड्रोम विद डिफेक्ट्स इन डीएनए रिपेयर। ठीक है, बाकी ऐसे ही जो पुराने 10 सेशन से उनको देख लीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है, उसके बिना बिल्कुल नहीं जाना है। ठीक है, आज शाम 5 बजे या फिर 6 बजे दोनों से किसी एक टाइम पे आप लोगों का टेस्ट है, अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा। ये आप लोगों को टेलीग्राम पे पता चल जाएगा, फ्री लिंक के लिए उसके फ्री सेशन है, टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। ठीक है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से, इंस्टाग्राम फॉलो कर लो, टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, जिससे कि सारे अपडेट्स मिलते रहे। चलो, टेक केयर एवरीवन, ख्याल रखो, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ठीक है।